मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सारे पाकिस्तानियों के लिए, सारे वो फैंस, वो मैके वाले जिनको मॉर्निंग शो देखने का बहुत शौक है, उनके लिए आज बहुत अच्छा दिन है. क्योंकि आज मेरे पूरे करियर में पहली दफ़ा मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही प्यारी गेस्ट, और वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, आप सबकी दोस्त है वो, पहली दफ़ा मैं उसका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, उसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त शो करने वाली हूँ. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी एक्साइटेड हों. और वो कौन है मैं उसके बारे में बताती हूँ. वो एक ऐसी बच्ची थी जिसको हम देख के कहते थे वाओ यार कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो बच्ची मेरे माँ, मेरी अम्मी के प्रोग्राम्स होस्ट करती थी, और मैं उसको हसरत से देख रही होती थी कि काश जितना कॉन्फिडेंस इसमें है, जितना अच्छा ये बोलती है, हम भी सीख सकें. हम तो वो मेरी अम्मी, हाँ आपको पता है, जैसे बहुत सारे शोज जिसमें आप बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे शोज मैंने बैठ के तालियां बजाए हैं जब ये होस्ट कर रही होती थी. और मैं तब वो भी इतनी सी थी और मैं भी इतनी सी थी, तब से मैं उसकी फैन हूँ. फिर आप सोचिए उसकी फैन फॉलोइंग का हाल, मतलब फैन तो हम थे ही, फिर बड़ी होती गई उसके बोलने में और ज़्यादा तराशा गया उसको, और वो खुद ही उसने अपने आप को ग्रूम किया, और हर मौजू पे इतनी ज़बरदस्त टॉपिक्स को लेके हार्डवर्क करके आज वो स्टेज पे पहुंची है कि मैं अपने कपड़े लेने किसी बुटीक पे गई हूँ, तो वहाँ पे जो काम करने वाली एक लड़की थी उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरा हाथ चूमा. मैंने कहा क्या हो गया इसको भाई. आपको पता है उसने क्या कहा मुझसे? उसने कहा कि आप जरूर माया खान से हाथ मिलाती होंगी, मैं उनकी फैन हूं, और उसने मेरा हाथ चूमा. तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट और पक्की दोस्त माया खान. आज पब्लिक एक्साइटेड हुई है, इतने दिनों बाद हम माया को देख रहे हैं, और मेरे तो 7 साल की जो मॉर्निंग शो का करियर है, पहली दफा मैं माया का इंटरव्यू करने वाली हूँ, प्रोग्राम करने वाली हूँ. वाओ, आई एम सो एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड. माया के साथ आज मैंने बहुत सारी ऐसी बातें करनी है, हमारी बचपन की बातें जो शायद आप नहीं भी जानते हो. हाँ. या पता नहीं माया तुमने अपने शो पे बताई है अपने बारे में सारी बातें. तो बहुत करती थी. हाँ. कि हम ये करते थे वो करते थे, मैं समझ जाके कहती थी कि तुमने चूड़ियां कुछ छोड़ दी, चूड़ियां तुम्हारी इतनी अच्छी होती थी, तुमने ये क्यों कर दिया. हम लोगों ने एक योर पेरेंट्स were my teachers. हाँ, so, मतलब निदा के वालदेन मेरे उस्तादों में से हैं. अच्छा, अगर हम दूर दूर भी बैठे होते तो ना दोनों की दूसरे को पपिया भेज फ्लाइंग के जैसे तेरी होती. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बहुत प्यारी याद है. सपोर्ट इतना करना, मुझे याद है एक जमाना ये था कि मेरे पीछे कोई नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, हर कोई टांग खींचने के में लगा होता है ना, तो ये वो लड़की थी जिसने सपोर्ट किया आके, मतलब आपका एक मुराल अप करना. फिर एक दफा कोई मैं जादू के ऊपर शो कर रही थी और मैं इतना डर गई थी, घबरा गई थी, इसने आके आईबी पे आई पीछे, मतलब आके मुझे सहारा दिया कि यार बहुत कम लोग होते हैं इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती. God bless you, God bless you. आप हमारी मेहमान बैठे, इधर बैठो, उधर बैठो, जहाँ तुम्हारे इधर बैठो, बात नजर नहीं आओगी. तुम्हारे अलावा कोई और है नहीं, तो जहाँ बैठना चाहोगे रुक रुक के बैठूंगी, कभी कभी इधर कभी. हाँ, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, फिर एक सेगमेंट उधर, फिर उधर, बस ठीक है, फिर थोड़ी बात गाड़ी में. अच्छा माया. हाँ बाबा. बचपन से शुरू करेंगे हम. करो. जब ये छोटी सी होती थी माया. अच्छा, जिस तरह तुम्हें माशाल्लाह अभी इंसान कुछ ऐसे पैदा होते हैं जो मोहब्बत लेने के लिए पैदा होते हैं, तो क्या जिस तरह की मोहब्बत तुम्हें अभी मिलती है, बचपन में भी ऐसे सब गाल नोच रहे होते थे, ये बहनें प्यार करी हैं, भाई प्यार करें, अम्मी अब्बा की लाडली, ऐसी बच्ची थी तुम क्या? यानी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. गुपलू तो नहीं थी. हाँ. लेकिन प्यार बचपन से मिला. अच्छा. सबसे मिला
इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग द एंटायर पाकिस्तान टेलीविजन. मतलब एक छोटा था सबका, फिर उसके बाद ये इदारा, इट्स लाइक होम टू मी, इट्स लाइक सेकंड होम टू मी. अच्छा, तीन भाई तीन बहनें? तीन भाई तीन बहनें. और माया का नंबर सबसे आखिरी? लाडला. ये बच्चा लाडला जो है, बिगड़ा तो नहीं कभी? बिगड़ा खाना, बिल्कुल नहीं खाना. नहीं नहीं, बिल्कुल बिगड़ा किसी ने खानी. बिगड़ा बिगाड़ा बहुत अच्छी बच्ची हूँ मैं तो, कभी ना ही नहीं किया अपनी माँ को, सब कुछ किया, नहीं खाना, ये नहीं करना, इतने बजे रात के पूरा कराची बंद होगा उस वक्त ही खाना है, और वो ही खाना है जो घर में नहीं होता. तो बड़ी शदीद बिगड़ी हुई थी, शदीद अभी भी हूँ, काफी बिगड़ी हुई. बट आई थिंक इट्स ओके. सबसे ज्यादा स्पॉइल किसने किया? अम्मी ने, अब्बू ने, बहन भाइयों ने? सबने हमने मेल के स्पॉइल कर दिया मुझे. जो मुंह से बात निकली पूरी बिगड़ा हुआ बच्चा. सही मानो में. अच्छा, खुशी के भी दिन होते हैं, गम के भी दिन होते हैं, मस्ती के भी दिन होते हैं. अगर हम बचपन से शुरू करते हैं माया के, खुशी के दिन के बारे में बताओ, फिर थोड़े से ऐसे दिन के बारे में बताओ जो हर किसी की जिंदगी में आते हैं फेजेस. खुशी के दिन की बात शुरू करते हैं ना पहले जरा. खुशी, खुशी कैसे? खुशी का दिन बचपन में कौन? मतलब बचपन में किस तरह की बच्ची थी? नॉटी थी, नदीदी थी? मैं बहुत खामोश बच्चा हुआ करती थी बचपन में ना. हाँ, मतलब एग्जैक्टली आई नो. हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं होगा, मैंने तुम्हारे अम्मा से, शाहीन अंसारी से, बाकिया सबसे डांटे खाई हैं, क्योंकि मैं बोलती, बताओ तो सही, तुम्हें सही भी लग रहा है कि नहीं? सही है, आप सही कह रहे हैं, ठीक होगा. फिर जब उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा, फिर कहा बेटा शाबाश 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 शाबाश, बोलो बोलो, उस चीज ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया. मेरा बोलने का जो ज्यादा मुझे लगता है कि इंक्रीज हुआ था, दैट वॉज आफ्टर बाबा पास्ड अवे. और वो कब हुआ? बाबा का इंतकाल हुआ था 91 में. अच्छा, तो 91 के बाद मैंने नोट किया कि मेरे अंदर थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि भाई भी सारे बाहर पढ़ रहे थे, और बहनों, एक बहन बाहर होती थी, एक बहन की शादी हो गई थी तो वो बाहर होती थी, तो मुझे खुद ही अपना अब्बा भी बनना था, भाई भी बनना था, और अम्मा को हर चीज नहीं बता सकते थे, उनके सबसे आखिरी बच्चा था, तो डर भी हुआ जाता था कि अगर बताएंगे तो उल्टा डांट ही पड़ेगी. मतलब वो जनरेशन है कि अगर हमें चोट लग जाती थी तो हमें उल्टा डांट पड़ती थी कि तुमने चोट कैसे लगाई. मतलब हमें चोट लगी, अल्लाह के वास्ते फोन बह रहा है, बंदा मर रहा है, पकड़ ले, नहीं हमें डांट पड़ जाएगी. लगी चोट हर किसी की जिंदगी में. हमारे अम्मा अब्बा कहते थे हमने तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके नीचे बैठ के पढ़ा है, तुम लोग तो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ. तो तुम्हारे जिंदगी के, मैं अगर कहूंगी उतार चढ़ाव, वो किस तरह के थे? क्या तुम वाकई सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, या हर चीज बहुत मेहनत से, इधर से उधर से अम्मा अब्बा ने मेहनत की और फिर तुम अपने अपने जहाँ अभी हो वहाँ पहुंची? निदा, मैं बहुत फख्र से कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बिगड़े हुए माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ. बहुत मेहनत से बनाया जो बनाया, चाहे अपने शोज़ हों या मैं कहीं बात कर रही हूँ, फख्र से कहती हूँ कि जब था तो बहुत अल्लाह पाक ने करम रखा, हाथ पकड़ा, और जब नहीं था तो हम टीम में भी रहे हैं. ठीक है, हमने मेहनत से बनाया है, आज जो बनाया है इसलिए हमें शायद हलाल की कमाई हुई पैसे की बहुत कदर है. और जज़ाकअल्लाह. और जो बरकत मेहनत की कमाई में है, वो आपकी आसानी से कमाए हुए पैसे में नहीं है. हम जो ख़वातीन, मैं बहुत बातें सोचती हूँ जब भी कोई भी मेरी फीमेल कोलीग, और निदा तो शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज नॉट बिकॉज शी इज़ माई कोलीग ओनली, बिकॉज ऑल्सो हमारा बचपन का साथ रहा है. अगर हम, मेरे इनके माँ बाप मुझे अपनी बेटी कहते हैं तो निदा को मैंने शुरू से अपनी बहन समझा है. और रुलाएगी क्या पगली? तो नहीं, सीरियसली आई मीन, जिस तरह का ब्रॉट अप हम लोगों को दिया गया है, सख्ती वाला, उसके साथ हम काम करें, उसके साथ हम कामयाब हों, उसके साथ हम अपने, अपने माँ बाप, अपने शौहर, अपनी नस्लों के सामने सुरखरू हो सकें, और सबसे ज़्यादा हलाल कमा के अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें, आसान काम नहीं होता. आसान नहीं होता. पढ़ाई में कैसी थी माया? बहुत फारिग है, बहुत फारिग थी. डिबेटर थी, स्पोर्ट्स में थी, एथलीट थी, 50 meters race, 100 meters race रेस. और मुझे शौक था मैथ्स का बहुत ज्यादा. मैथ्स में बहुत अच्छी थी. मैथ्स में बहुत अच्छी थी. जहर कौन सा सब्जेक्ट लगता था? जहर मुझे जो लगता था वो लगता था केमिस्ट्री. मुझे भी बहुत लगता था. पासिंग मार्क्स से बस, पासिंग मार्क्स से अरे बना के चीटिंग करके पास हो जाऊं, एक कनी से बच जाएं आप. मतलब
लिटरली मतलब पतली गली से निकल जाए ऐसा. और मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था, जो टीचर थी ना केमिस्ट्री की, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी. उन तो वो भी शक्ल देती थी ना, मुझे सारा पीरियोडिक टेबल याद आता था. मैंने कहा अल्लाह ये कहां से आ गई. अच्छा तब कौन सा मटेरियल कपड़े का ऐसा था जो तुम्हें जहर लगता था बचपन में? जैसे अम्मियां नहीं फ्रॉक के पहना देती हैं, पोनियां बांध देती हैं दो, ये सिल्क हाँ, और आंखों में सुरमा, वेस्टर्न कपड़े और आंखों में काजल. मतलब आप सबसे गुजारिश है अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते, और जो बच्चे वो अखबारें जहां में आते नौने हाल में मासूम मासूम चेहरों पे इतना बड़ा बड़ा काजल लगा के. मतलब यार बगैर काजल के भी बच्चा अच्छा लगता. मैंने किसी बच्चे को काजल नहीं लगाया. शुक्र है मेरी सारी बचपन की तस्वीरें काजल वाली हैं. तुम्हें मोटी मोटी काजल लगाई है. अच्छा अच्छा क्योंकि अब्बा जो एम्बेसडर थे हाँ. तो मेरा पूरा जो बचपन सर्कल था फॉरनर्स का बहुत था. अच्छा अच्छा हम एम्बेसीज में जा रहे हैं, काउंसलेट्स में जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं. अच्छा वहाँ पे बड़े महंगे महंगे कपड़े मुझे बहने बहन मम्मा सब पहनाए, और एंड में क्या हो काजल. मैं एक और भी तो चीज करते हैं अम्मा अब्बा यार, गंजा ही करते रहते हैं, गंजा करते रहते हैं. ये तुम्हारे साथ भी हुआ? मैं तो 8 दफा गंजी हुई हूँ खुदा कसम मेरी. माशाल्लाह कोजैक माचिस बनके बहुत बड़े तक फिरते रहे. लोगों ने हमारे सर को तबला बनाया बहुत तवील अरसे तक. बहुत तवील अरसे तक. आई मीन क्रेजी. ओ माय गॉड. मतलब ये चीजें होती है आप कभी बोलते नहीं है. टोपी पहन लो. टोपी पहन लो, स्कार्फ पहन लो, कुछ नहीं होगा. क्यों पहन लो, क्यों क्या ना गंजा में, अब हम गंजे ही फिरेंगे. हाँ तुम्हारे बाल बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से, बड़े खूबसूरत और काले बाल होते थे और लंबे घने बाल होते थे. क्या अम्मा क्या लगाती है ना, क्या 3 जुमेरात मुसलसल गंजा होना है अपने. मजाक नहीं कर रही, बोल रही हूँ. 3 जुमेरात मुसलसल गंजा होइए, इंशाल्लाह आपके बाल शदीद घने जिसमें जुएं बकायदा कयाम कर सकती हैं तवील अरसे तक. और अगर जुएं लग जाएं बालों में स्कूल में, फिर जो जूते पड़ते थे ना, ये आई कहां से? मतलब शामत जू के नहीं, हमारी खोपड़ी की आदत थी. उल्टा लिटा के उल्टी कंगी एक. अच्छा मेरी अम्मी तो अजीब थी ना. मेरी अम्मी क्या कहती थी, कहती थी वो तुम्हें रात को जुएं घसीट के ले जाएंगी सारी मिलकर गटर में. मतलब जुओं में ताकत ऐसी, और मैं भी बेवकूफ. अच्छा अगर तुम नहीं निकलवाओगी तो वो सारी तुम्हें रात को हम सो रहे होंगे घसीट गटर में ले जाएंगे. ये पता है ये खून चूसने से सारे दिमाग का, ये सोचने नहीं देंगी, कुछ पढ़ने नहीं देंगी, सारे खोपड़े में तो खून चूसती थी बेचारी. इतनी सी नन्नी सी जान, वो क्या खून चूसेगी हमारा मासूम. ओह माय गॉड. भाई एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बहुत मजे की बातें होंगी. और आज यहाँ पे ये आग हर तरफ क्यों लगी हुई है? ये आग इसलिए लगी हुई है कि एक हॉट माया खाना ये यहाँ पे. बातें सुनो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और आज हमारे साथ है माया खान. बहुत मजे मजे की हमने बातें की. आते ही ना कोई धावा बोल दिया, आते ही ऐसी चटपटी बातें निकली. बिल्कुल. अच्छा ये मजे की बात ये है माया, तुम्हारे अंदर इतना मसाला भी है, इतनी चटपटी बातें करती हो, इसकी कंपनी इतने मजे की है. और वहाँ ये पट कोई जज्बाती बात हुई और ये वही दिल में ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल ही बच्ची का दिल होता है, छोटा सा नरम सा दिल. क्या वजह है भाई? नेचर ऐसी है, एक्सट्रीम नेचर है. खुश हो तो खुश हो, उदास हो तो उदास हो. यस यू हैव नोन मी फॉर वेरी लॉन्ग. मैं जैसी हूँ सामने हूँ. मतलब जो भी होगा वो फेस पर आएगा और जो दिल में होगा वो जबान पर होगा. मैं फेक आउट नहीं कर सकती. सो देयर इज समथिंग इन माय पर्सनालिटी आई कैन नॉट प्रिटेंड. कोई अगर बुरा लग रहा होता है तो चेहरे पे आ जाता है. हाँ लेकिन ऐसे तरीके से. हाँ. ये नहीं कि कोई जहर लग रहा है. आप यकीनन मुझे खानदानी तौर पे जहर जहरीले लग रहे हैं. मतलब ये नहीं मैं कह सकती. हाँ बट इफ यू डू नॉट अग्री विद समबडी, हाँ वो रिस्पेक्टफुली आप अपना किनारा कशी बेहतर है. बट मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. डिबेटर थी तो डिबेटर्स जो होते हैं ना उनका अंदाज बड़ा सख्त और पुख्ता और टू द पॉइंट होता है. So that has been a part of my personality and that's the way I think I am.
also my weakness, also my strength at the same time. हाँ हाँ. And I think. तो कॉलेज में इस तरह कभी किसी लड़की से लड़ाई हो गई या किसी ने कोई ऐसी बुली किया या कुछ ऐसा तो माया किसी और के लिए भी और अपने लिए खड़ी हो गई? बुली तो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर सका क्योंकि दो भाइयों की बात की औलाद हूँ तो आई नो हाउ टू पंच आई नो हाउ टू किक मुझे मुक्के और हर चीज मतलब ट्राई करना है तो आ जाओ मसला नहीं है अच्छा क्या कभी किसी पे अप्लाई किया किसी लड़के ने छेड़ा एक मुफ्ता कस के दिया पकड़ा पटाख ओड़े हाँ कभी किसी ने तुम्हें छेड़ने की हिम्मत की है मुझे क्या कोई छेड़ेगा मुझे तो माया भाई कहते हैं शुरू से सारे मुझे वो भी छेड़ेगा मुझे छेड़ी था ले कोई मतलब कभी घूरा तो होगा किसी ने हाँ कोई अगर किसी ने कभी बेचारा नहीं बचाना और देख लिया गुस्ताखी से के बेचारी है तो माया भाई को देख रहा हूँ मैं हाँ. तो वो उनको मैं कहती थी भाई सब ठीक है खैरियत है घर तक आप पहुंचा देती थी उनको माशाल्लाह आप मुझसे कुछ कह रहे थे हाँ. कुछ कह रहे हैं मुझसे अभी आप कुछ कह रहे नहीं अच्छा ओके अच्छा अब्बू के इंतकाल के बाद एक अच्छा बचपन गुजारने के बाद अब्बू के इंतकाल के बाद थोड़ा सा ऐसा हुआ कि तुम्हारे कंधों पे आया थोड़ा सा घर का बोझ या घर को रन करने का वो सबने मिलके क्योंकि निदा बहुत छोटे सी काम कर रही हूँ तो हमारा जो है वो आईडी कार्ड 18 साल की उम्र में बनता है तो जब तक आपका अकाउंट नहीं होता पीटीवी में या रेडियो में रेडियो पाकिस्तान में तो आपके जो भी आते थे ना वो या तो आपकी अम्मी या अब्बू या घर में किसी बड़े के नाम पे आते थे या फिर आपको वो वालिद साहब की तस्वीर आ रही है अशफाक अहमद साहब की अशफाक अहमद खान साहब की तो वो क्या कहते हैं अच्छा जो भी आता था वो अम्मा के पास ही जाता था अब अम्मा कहती थी कि बेटा जो मेरे बच्चे सारे करते हैं मैं उनको थोड़ा 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 करके मैं कभी जो है वो कभी चौखट लगवा ली कभी ग्रिल लगवा ली कभी जो है वो क्या कहते हैं कुछ और काम करा लिया घर बना रही थी क्या घर बना रही थी अम्मा ना अच्छा। क्योंकि घर बना रही थी तो उसी बीच में जो है अब्बा का इंतकाल हो गया था ओ। तो वो क्योंकि बहुत बड़ा प्लॉट था गुलशन में हम रहे हैं शुरू से तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके क्योंकि मैंने अपनी वालदा को देखा है कि प्लास्टिक बांध बांध के उन्होंने जो है ना मजदूरों के साथ भराई भी की है तो ब्लॉक्स भी रखे हैं तो सीमेंट भी भरा है तो वो जो है ना रेत भी जो है वो छानी है कि पत्थर और रेत जो है वो अलग हो जाती है कि वो सब बजरी मिक्स होती है सो दैट आई हैव सीन ऑल माई लाइफ मैंने मतलब मैंने सारे काम होते हुए देखे मैं उन उस नस्ल में से नहीं हूँ या उन लोगों में से अपने आप को शुमार नहीं करूँगी जिसको कुछ नहीं आता हो आई ऑलवेज रिमेम्बर अम्मा एक बात कहती थी बच्चों ने बेटा अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़े लेकिन आना सब चाहिए यू नो यू शुड नो एवरीथिंग बट कभी हमें रोका नहीं गया हमारा जो ब्रॉटअप था वो बहुत ब्रॉड माइंडेड तरीके से हमें बड़ा किया गया बिकॉज ऑब्वियसली हम फॉरनर्स में बहुत रहते थे तो कोई हमारे हिंदू मिलने वाले हैं हमारे ईसाई मिलने वाले हैं हमारे पारसी मिलने वाले हर तरह के मिलने वाले तो बहुत ही ओपन माइंडेड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम सबसे मिलते थे अच्छा बाहर की चीजें हैं जैसे तुम कह रही हो कि अम्मी कहती है सब कुछ आना चाहिए ये सब कुछ तो तुमने अम्मी को देखते सीखा घर किचन में ये वो सब भी सिखाया अम्मी ने खाना पकाना रोटी पकाना चाय पकाना एवरीथिंग हमारे घर में अम्मा का जो बचपन हमने देखा अब तो हो गई काफी लेकिन जो हमने बचपन से देखा या बहन भाई मुझे बताते हैं कि अगर अब्बा कभी कहते थे कि भाई मेहमान ज्यादा आ रहे हैं तो हम खाना बाहर से मंगवा लेते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही वो डिसरिस्पेक्ट वाली बात होती थी इंसल्ट खाना बाहर से आएगा खाना घर में बनेगा तो वो ये चीज हमने बड़ी बड़ी दावतें अच्छा हमारे तो माया को सब कुछ आता है पकाना सब कुछ नहीं आता बट आई लाइक चिकन की और मटन की चीजें ज्यादा शौक है तुम्हें पकाने आई लाइक मजा आता है मजा आता है और खाने का भी शौक है पकाने का भी हाँ खाने का भी शौक है पकाने का भी बट आई रिमेम्बर क्योंकि हमारे घर में मिलाद और ये महफिलें बहुत हुआ करती थी बचपन से होती हैं तो बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं आओ भाई लाओ दस्तरखान लगाओ सारे बैठ जाओ फटाफट जो है ना मिलाद के बाद खाना खाने सारे मिलके तो बड़ा वो जो है ना हैपनिंग सी रही है लाइफ इट बट इट हैज बीन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी एडवेंचर बड़े उतार चढ़ाव दुख सुख हर चीज देखी है माया ने छोटी यंग एज में बहुत कुछ देख लिया तो माया उसके बाद जब तुम फिर तो एक जमाना ये था जो कि जब कभी किसी पे कोई बुरा वक्त आता है यानी कि एक साथ हर चीज हो जाती अम्मी का इंतकाल हुआ अब्बा का इंतकाल हुआ उसके बाद फिर कुछ माई पर्सनल लाइफ में भी कोई चीज टूटी फूटी भैया का इंतकाल प्रोफेशनल लाइफ में भी गड़बड़ हुई सारी चीजें एक साथ जब तुम्हारे ऊपर आई तो 2013 में हुआ था तुम्हारे भाई का 2012 उस वक्त तुमने अपने आप को कैसे संभाला तुम एक स्ट्रांग हो एक स्ट्रांग औरत एक स्ट्रांग लड़की हो ये हम सब जानते हैं
मगर फिर भी उस वक्त तुमने सारी चीजें जब एक साथ आ गई तो तुमने कैसे अपने आप को संभाला यार? यार भैया का जाना मुझे आज भी मैं बड़ी क्लियरली बता सकती हूँ कि भैया 2012 में हुए और दो और बहुत बड़ी चीज़ें हादसा मेरी ज़िंदगी में उसी साल में हुए. जब भैया का इंतकाल हुआ था तो ये मैं ARY में ही थी. सब लोग इंक्लूडिंग सलमान भाई, जे जे, मेरा भाई महबूब रऊफ, दे स्टूड बाय मी एंड आई वांट टू क्राई बट मेरे साथ आके खड़े हो गए थे. कितना भी टाइम तुम्हें लगे तुम लो, बट ये मत समझना हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये मत समझना तुम अकेली हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं. वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर द फैमिली. बट एक चीज़ में ज़रूर था कि उस ज़माने में जो मेरे साथ खड़ा रह गया ना निदा, वो मेरा अपना था. जो उस ज़माने में मुझसे दूर हो गया वो मेरा अपना कभी था ही नहीं. मैं टिश्यू मिल जाएगा प्लीज़. थैंक यू. अरे तुम बैठो ना. मैं अरे टिश्यू पेपर दो जल्दी से. हाँ. जल्दी टिश्यू पेपर दो. टिश्यू पेपर कोई भी दे दे यार. टिश्यू पेपर ला के दो यार. अरे आई एम फाइन. मेकअप बॉक्स से निकाल के लाई हूँ. जज़ाक अल्लाह. बैठो आई एम फाइन. तो बहुत टफ टाइम था और मुझे याद है मेरे घर में मुझे होश नहीं था. महबूब मेरा भाई जो रऊफ अंकल के बेटे हैं, he used to make sure कि यहाँ QTV सब लोग आएँ, फातिहा पढ़ें. क्या हुआ था तुम्हारे भाई? भाई को कैंसर हुआ था भैया को. और उनकी क्या एज थी माया? भैया की एज थी 40 प्लस. उनको एक साल में कैंसर हुआ एंड ही पैस्ट हुए. तो उनके चार बच्चे हैं, LA में ही हैं. भैया की LA में ही हुई, हम देख भी नहीं सके. चार मतलब छः बहन भाइयों में से पाँच. हाँ एग्जैक्टली. वो सबसे बड़े भाई? सबसे बड़े भाई थे, खानदान के सबसे बड़े बेटे थे. तो उनके जाने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा था सबको, क्योंकि बाबा का जब इंतकाल होता था तो मैं छोटी थी, तो सारे बहन भाइयों ने वैसे ही संभाला हुआ था. भैया के जाने से पूरी फैमिली जो है वो शैटर हो गई. हाँ. तो उस वक्त मुझे याद है वो टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकती. मैं 2012 कभी भी नहीं भूल सकती. मैं चाहती हूँ 2012 मेरी लाइफ में ना आया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. और मैं ये कहूँगी कि कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आते हैं, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, लेकिन एक बार जब वो गुजर जाती है ना, आप अपने आप को सोचते हैं या अल्लाह मैं किस पहाड़ से गुजर गई. अच्छा कहते हैं अल्लाह ताला उतने दुख देता है ना जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है. True. आप जब देख रहे होते हैं दूसरे को तो ये सोच रहे होते हैं यार इसके ऊपर तो ये भी आफत आ गई, ये भी आ गई, कि कैसे सर्वाइव कर रहा है या कर रही है. मुझे नहीं पता, शायद तुम ऐसे फील करी होगी कि कैसे सर्वाइव कर रही है. मुझे तो पता ही नहीं था. मैं सिर्फ एक चीज सोचती थी और मैं अल्लाह से भी कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे इतना पता है कि मैंने कभी किसी के लिए अपनी ज़ात से बुरा नहीं सोचा ना बुरा किया. तो मुझे पता है अल्लाह पाक मेरे ईमान ने उस दिन उस वक्त बचाया है. ईमान अगर आपका जिंदा हो ना और ईमान आपको बचा लेता है. माय फैमिली ने कितना सपोर्ट किया जब तुम्हारे पर कोई भी मुश्किल आता है. यार हम जहाँ बैठे ना ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल कुर्सी है और कभी इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं कभी बुरी होती हैं और किसी पे उंगली उठती है. Correct. चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे शाइस्ता हो या कोई और नादिया खान हो, कोई भी आके बैठे, मतलब हम तो होस्ट है, एक्टर्स को नहीं छोड़ते लोग. ना नहीं छोड़ते. तो उस वक्त तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? माई फैमिली, तुम्हारे दोस्त? मेरे फैमिली, मेरे दोस्त मेरे पिलर थे, मेरी स्ट्रेंथ थे और आज भी हैं. आई रिमेम्बर सलमान भाई केम होम, क्योंकि भैया का इंतकाल हुआ था तो सब ताज़ियत के लिए आ रहे थे. रऊफ अंकल भी आए, सलमान भाई भी आए. एंड सलमान भाई, आई एम टॉकिंग एक्चुअली अबाउट सलमान इकबाल की बात कर रही हूँ. मैं सलमान भाई कह रही हूँ. तो सलमान भाई आए एंड ही सेड कि बेटा तू ये नहीं समझना कि तेरे बड़े नहीं हैं, तेरे बड़े हैं रऊफ अंकल. बेटा हम तेरे बड़े हैं. तो जब ऐसे मुश्किल वक्त में आपके मेरे दोस्त हसन रिजवी जो है, कोमल रिजवी, माय फ्रेंड सुमेहता, शर्मिला, दीज वर द पीपल हु स्टूड बाय मी. मतलब शर्मिला उमरे पे गई हैं एंड शी मेड अ कॉल फ्रॉम फ्रंट ऑफ काबतुल्लाह और उन्होंने कहा भैया के लिए दुआ करो. तो जब ऐसे लोग आपके साथ होते हैं निदा, तो उस वक्त आपको पता, एक्चुअली उस वक्त आप होश में नहीं होते. हाँ. उस वक्त जब गुजर रहे होते हैं ना तो उस वक्त. अच्छा ये जो सब तुम्हारे साथ खड़े थे माया, लेकिन तुम्हारी अम्मी को तुमने कैसे संभाला और उनका बड़ा बेटा, और उस वक्त किसने सपोर्ट किया तुम्हारी अम्मी को? अम्मा तो बिल्कुल शी वॉज नॉट नॉर्मल ना. बहुत 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 तवील अरसे तक वो नॉर्मल नहीं रही.
उनको बहुत टाइम लगा, अभी भी वो इतनी नॉर्मल नहीं है, लेकिन उस वक्त तो ये था क्योंकि दोनों बहनें एलए जा चुकी थी भैया की जिंदगी में ही, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे एक भाई थे और मैं थी और एक भाई हमारे नाइजीरिया में थे, तो मम्मा को संभालना हमारे लिए हो गया था, क्योंकि भाई कह रहे थे कि यार मम्मा जो है ना अकेले में भैया से बातें कर रही हैं, वो एक शॉक में चली गई थी, वो एक ऐसे ट्रॉमा में चली गई थी कि वो उनको जो है ना वो पोस्ट ट्रॉमा हुआ था, तो वो उसके बाद वो बिल्कुल भैया से बातें कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना इनके बाल, मम्मा शुरू से शोल्डर रखे, शोल्डर ड्रॉप रखे, थोड़े बाल, भैया ने कहा कि आप अपने बाल ना कटवाइएगा, आज उनके बाल इतने लंबे हैं, उन्होंने कहा कि बस मेरे बेटे ने कहा था मुझे बाल नहीं कटाने, तो मैंने बाल नहीं कटाने। अल्लाह, सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ। तो तुम्हारे अंदर क्या ऐसी चीज है तुम्हें लगता है जो तुम्हारा, तुम्हारी स्ट्रेंथ है जो तुमने अम्मी अब्बू से पिक की है? दोनों की बहुत ज्यादा हिम्मत, दीदा दलेरी और जिद, जिद और हार्ड वर्किंग। अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा, अब्बा तो मुझे नहीं पता कि जिद्दी थे या नहीं थे, लेकिन जिद्दी थे जब भी अम्मा से लव मैरिज की थी। फुल लव मैरिज। अच्छा अच्छा, मेरी तरह। ये यार दिखाओ ना जरा, आप दूल्हा भाई की तस्वीर तो दिखाओ यार। दूल्हा भाई, दिखाओ तो जरा तस्वीर निकालो। अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहे दूल्हा भाई। हाँ, अभी जरा लगा रहे हैं वो। अच्छा, ये आ गए जी तस्वीर नजर। कितना अरसा हो गया रिश्ता अजदवाज में बंधे हुए, अजदवाज में बंधे हुए महतरमा हो गए। दूसरी वाली भी तो दिखाओ ना, फुल लेंथ भी तो दिखाओ ना, मतलब डेढ़ साल होने वाले। हाँ, डेढ़ साल। माशा अल्लाह, कहाँ से मिली आप इनसे? क्या नाम, क्या है दूल्हा भाई का? इनका नाम है मोहम्मद उजैर। ओहो, तो मोहम्मद उजैर साहब से आप कहाँ मिली? कहाँ मिली, वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। हाँ, बहुत पुराने दोस्त थे। अच्छा। हाँ, ये अभी मलेशिया की, अभी मलेशिया गए थे रमजान के बाद। अच्छा। हाँ, तो ये पुराने दोस्त को हिम्मत कैसे हुई माया से प्रपोज, माया को प्रपोज करने की? डरते डरते कर, डर ही ना जाए वो, माशाल्लाह वो मुझसे बड़े कॉन्फिडेंस में जो है ना, he takes more numbers than that. But I think जिस तरह मुझे प्रपोज किया था ना उस दिन, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दैट ही इज गोइंग टू प्रपोज। कैसे किया था? कहीं नहीं, हम सारे फ्रेंड्स खाना खाने गए हुए थे। खाना खाया, खाना खाने का, अच्छा मैं थकी हुई थी, मैं एक शो करी थी उसे गेम शो ना, बड़ी थकी हुई थी और मैंने कहा कि अच्छा चले हम खाना खा रहे हैं, थके हुए, चलो खाना खाने चलो। मैं थका हुआ एक बंदा, अब यू नो जब एक दफा शो करने के बाद थक जाता है बंदा, उस होता है कि मेकअप उतारे बंदा अपने ढीले कपड़ों में आए और जस्ट रेस्ट करे। अच्छा मैं अपने आराम से काम वाम करके मैंने कहा, चलो चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, अच्छे मुंह रखना। मैंने कहा हम अमीर दोस्त ही तो जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? खाना खाने गए हुए थे, खाना खाने के बाद जब बिल देने गए तो वो बिल देने में चले बिल के, अच्छा बाहर एकदम खड़े हो जाते। मैंने कहा क्या मसला हो गया, कोई खाने में कोई कॉकरोच निकल आया, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो वो जब गए करने के लिए तो फिर वो साइड पे खड़े होते हैं और एकदम से वो घुटने में बैठते हैं, कहते हैं कि विल यू मैरी। मैंने कहा इतनी प्रैक्टिकल लड़की को फुल फिल्मी रोमांटिक अंदाज में, अरे पूरे समझ में क्या 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 कर रहे हैं, उठ जाएं, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया आपको, कैसी हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आती है बातें। फिर बस कुछ नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है उठ तो जाएं, तो मैं बूटी से फैल रहा था, उठे तो चले बस लेट्स गो होम। घर आई हूँ तो मैंने कहा ये देखें ये हुआ है मेरे साथ, तो सबको अंदाजा हो गया था देयर अप टू समथिंग, बट मुझे इन लोगों ने नहीं बताया था, तो दैट वाज अ सरप्राइज। तो तुमने मतलब कैसे मानी जो प्रपोजल उन्होंने दिया, उसको कैसे एक्सेप्ट किया? क्या दूल्हा भाई में ऐसी अच्छी खास बात है जो माया के दिल को लग गई? क्योंकि माया बहुत परफेक्शनिस्ट है ना, वो उसको कोई किसी को पसंद करना बहुत बड़ी बात है, तो वो बताओ ना कि जरा क्या चीज आपकी को दिल को लगी? ही इज अ गुड पर्सन। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो होती है किसी भी इंसान के साथ वक्त गुजार, ये देखो मैं लुल लुल चरिया चरिया तस्वीरें हमारी, हमें चेहरे बनाए, ये हम वापस आ रहे दोनों भाई ना, सॉरी मैं दोनों जब करो कुछ भी बोल देती हूं, दोनों भाई आ रहे थे वापस ना पाकिस्तान, तो हमने कहा कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसे कपड़े। अच्छा बताइए, ये ऐसी माही मुंडा मुझे लगता है इसने शादी पे शरारे की नहीं तो जॉगर पहने होंगे, चप्पल चप्पल घर के चप्पल, ये घूंघट उठाया, मैंने कहा मुबारक हो सीन ऑन है, मतलब यार। अच्छा तुम शादी पे शरमाई वरमाई थी कि नहीं कुछ? कद्दू किससे शर्माऊंगी मैं? मतलब दोस्तों ने नहीं कहा जरा सा थोड़ा शर्माओ, तस्वीरें तो तेरी शर्मा शर्मी वाली है। नहीं, सब लोग हैरान थे, शुक्र इसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, सबको लग रहा था कि तकरीबन लड़का हो चुकी है और ना, तो बेचारे खुश हो गए, अल्लाह का शुक्र है। मेरे मियां कहे थैंक यू, शुक्रिया आपने ये फैसला किया। अच्छा अच्छा, वैसे
सही तो नहीं है ये सवाल करना, लेकिन कभी कभार लगता है कभी शौहर से डर ना, मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है यासिर की बड़ी बड़ी मूछें देख के, दाढ़ी देख के ना डर। तुम हाँ हाँ बहुत 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 ज्यादा क्यों लंबा तड़ंगा है इसलिए? नहीं, लंबे तड़ंगे से ज्यादा ही इज अ लियो। लियो का मतलब लिए ही जाओ कुछ दियो ना। लियो, लियो दियो कुछ ना। भाई भी लियो है ना? हाँ ना, यहाँ से भी तो लियो है। हाय हाय, अभी अपने थुकड़े मिलकर रोएंगे बहन। बस यार एक शो करेंगे उसके ऊपर, शो करेंगे जिस जिसका लियो हस्बैंड हो उस पर। हाय हाय हाय, नहीं नहीं ही मुझे बहुत डर लगता है भाई। तुम लियो, तुम क्या हो? मैं कैप्रिकॉर्न। तुम कैप्रिकॉर्न हो? चल मासूम से होते हैं, मैं एक्वेरियस हूँ। और लियो तो ऐसे तो धाड़ते ही रहते हैं हर वक्त धाड़ते रहते हैं, मतलब आप ही को छींक आई, आप ही धाड़ रहे हैं, मतलब आप ही का कसूर है, आप ही का मसला है यार, मेरे का कसूर है मतलब हेलो। अच्छा माया, शादी के शुरू में तो लाइक होता है ना, हस्बैंड जरा तारीफ करता है कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, मुझे होता है कि तो तुम्हारी को तुम्हारी तारीफ करता होगा, तुम क्या कहती होगी? आपको कैसे पता कि उन्होंने मेरी तारीफ की होगी? पहले ये बताएं, ये गलत खबर आपको किसने दी? क्यों, लियो तो बड़े रोमांटिक होते हैं। किसने कह दिया? भाई मेरे अपने घर में मौजूद है एक अदर, जो मुझे हाँ जब रोमांटिक होना तो बड़े होते हैं। अच्छा नहीं, रोमांटिक होते अपने हिसाब से। अच्छा जिस दिन तैयार होके बंदा निकले तो बंदा फीडबैक, आई डोंट नो तुम भाई ऐसा होता है कि नहीं, बट तैयार होके निकले तो होता है ना, आप गुजरे और आपको कहें कि यार शायद आप नोट करेंगे, बाल कटाए, कलर कराए, तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ किया है? नहीं अब कुछ लग नहीं रहा अलग, कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। हाँ नहीं अच्छी लग रही है, तो आपको पता नहीं चल रहा मैंने क्या किया किया क्या मतलब मैं पूरे बाल कटा के आ गई क्योंकि इनको छोटे बाल पसंद थे। तो कुछ किया आपने? कुछ किया? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं किया, तेजाब डाल दूं जाके मैं, फिर कुछ नजर आएगा आपको। और जी मैं यार नो अच्छा हाँ। और जिस दिन मासी लग रहे होंगे उस दिन अल्लाह कितने क्यूट लग रही है, आप प्लीज आंखें चेक करा लें प्लीज। अच्छा ससुराल में कौन कौन है? सास है, ससुर है, दो नंदे हैं। ही इज द ओनली सन। ओहो, और दो नंदे छोटी हैं कि बड़ी? बड़ी 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 हैं। तो वो जब उम्रे पे गई, मैंने सुना है किसी के लिए कुछ नहीं लिया, सिर्फ ससुराल वालों के लिए कुछ आप लेकर आई हैं, कुछ गोल्ड छोड़ दी। सारी खबर खबरें हमने आपके डिटेक्टिव लगाया है, चुड़ैल कहीं की है, सारी खबरें रखती हैं। हाँ है वो मेरी सास को ना गोल्ड की रिंग्स बहुत पसंद है, उनको रिंग्स का बड़ा शौक है, और वो गोल्ड इमिटेशन पहनती है, उनको वो होता है। अच्छा वो पहली दफा आप लोग पहली दफा उम्र पे भी जा रहे हो, फिर आपको चूज भी करना, एक बड़ा एक टफ था मेरे लिए, मेरे साथ डॉक्टरों में राहील, जवेरिया और हसान बिन खुर्शीद, अब मैं तीनों को साथ लेके, मुझे बताओ मुझे मम्मी के लिए लेना है कुछ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कैसी लूँ, पसंद का भी ना समझ नहीं आता जाहिर है, तो वो मैंने लिया था। अच्छा एक फिर ब्रेक आ गया है, लेकिन क्या कह रहे ना, ये ब्रेक आते हैं तो फिर हमें तनख्वाह मिलती है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें करनी है अभी, मगर एक खास बात ये है माया की, कि हमेशा जब भी किसी को कोई मसला होता है, उसकी पर्सनल जिंदगी हो या उसकी प्रोफेशनल जिंदगी हो, पता नहीं क्या तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है कि इंसान खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है, पूछता है बताओ ना मशवरा दो क्या करें। तो हमने आज बहुत सारे मशवरे लेने हैं माया से, माशाल्लाह से। ये वो होता है ना, वो कहते हैं हमारी माएँ कहती थी हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तो इसके बाल सफ़ेद नहीं, लेकिन इसको दुनिया का बहुत पता है। ये होता है ना कि ऑब्जर्वेंट बहुत है और उड़ती चिड़िया के पर गिर लेती है, तो इसीलिए हम आज माया के साथ एक बहुत ही स्पेशल शो करने वाले हैं अभी ब्रेक के बाद, जिसमें माया से मशवरे लेंगे कि अब जिंदगी में अगर किसी के भी ये चीज़ें हो गई हैं तो उनको टर्नओवर, उनको किस तरह निकलना चाहिए, उसको लेके कैसे चलना चाहिए। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ एक मजेदार सी चीज करते हैं हम मिलके, ठीक है? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की मॉर्निंग है बहुत खूबसूरत क्योंकि आज हमारे साथ माया खान है, और माया खान के यहाँ होने का हम भरपूर फायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये वो ही ना जिंदगी में पहली दफा मुझे मौका दिया है अपने साथ शो करने का। तो यहाँ मैंने कहा यार वो प्रॉब्लम्स जो आपके घरों में हैं, जो बहुत सारी हमारी खवातीन हैं जिनको फेस करना पड़ता है, इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और उनके हस्बैंड्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हम मशवरा लेंगे माया से, क्योंकि माया
इतने लोगों से मिली जुली है, इतनी ऑब्जर्वेंट है, तो बहुत सारे लोगों को मशवरा दिया है, तो शायद ये आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर गाइड कर सके कि जब कोई इस सिचुएशन में फंसा हो तो उसे क्या करना चाहिए। यहाँ मेरे पास एक बीवी है और यहाँ मेरे पास एक हस्बैंड है, इन दोनों को है कोई मसला माया, ये मसला तुम्हें बताना चाहेंगे। प्लीज आप लेडीज फर्स्ट, आप शुरुआत करें, माया से डिस्कस करें। माया जी, मेरा मसला ये है कि मेरा नाम असमा है और मैं इनके कंप्लेन लेके आपके पास आई हूँ। ओके। कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका किसी से अफेयर चल रहा है। ठीक है। क्योंकि पहले ये जब घर आते थे तो बच्चों को टाइम देते थे, मुझसे बात करते थे, अब ये हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर मैं पूछती भी हूँ कि क्या मसला है, किससे बात कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ। तो गेम खेल रहे हैं उसमें और बातों में मैसेज करने में पता चलता है, और रूम से बाहर चले जाते हैं जब कॉल आती है तो मेरे सामने भी तो बात कर सकते हैं ना। करेक्ट। तो ये मसला है और मैं इनसे बहुत दफा पूछ चुकी हूँ लेकिन ये बताते ही नहीं है मुझे, तो ये मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि आप इनसे पूछें कि मसला क्या है, मुझे बताएं। आप प्लीज, इन्होंने अपनी अपनी जो इनको प्रॉब्लम है वो बताई है, आप अपनी प्रॉब्लम माया को बताएं ताकि फिर ये आगे पूछ सके। मैम, मैं बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं और मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकलता हूं, रात को 8 बजे तक अपने घर तक घर पे पहुंचता हूं। ठीक है। उसके बाद जब मैं घर आता हूं तो मुझे अपनी बीवी की अटेंशन नहीं मिलती बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, नहीं, ये घर के कामों में जो है लगी रहती है, बच्चों में, मुझे तो इन्होंने TCS वाला बना के रखा हुआ है कि नींबू लियाना, लहसुन लियाना, अदरक लियाना, यानी मेरी जिंदगी में 5.5 साल हो गए, मैं नींबू लिया हूँ, अदरक लिया हूँ, इनके लिए पिज्जा लिया हूँ, यानी मेरी कोई अपनी वो नहीं है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ। आपका इसमें ग्रामी क्या है? उनैब नाम है। उनैब, अच्छा। उनैब, बच्चे आप ही के हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी आप ही के घर में बनता है? जी जी, बिल्कुल। कंटिन्यू। तो मैम, इनको जो है मुझ पे डाउट है, मोबाइल जरूरी नहीं है कि लड़की को लड़की से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाए मोबाइल और भी बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इनका, इनको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त ये जो है मेरी इज्जत और मेरे खानदान की इज्जत, नौबत कोई नहीं लाया, आप लायो, मैं नौबत नहीं लाया। देखिए, आप फजूल बात कर रही है, नौबत मैं नहीं लाया। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे अदालत लगाते हुए? आपको अच्छा लग रहा है? 36 लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, आप अपने घर की इज्जत को यहाँ पे ला रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आपकी वजह से यहाँ पहुँची हूँ। क्या मेरी वजह से आप पहुँची हैं? आप बता देते ना, मैंने आपको किसी चीज की कमी छोड़ी? मेरी बात तो सुन ले, मैंने कभी आपको किसी चीज का वो किया? यहाँ पे मेरी भी सुन ले। सुने, मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहली बात तो ये कि हर मसले का हल जो है बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। बड़ी बड़े मसाइल जो हैं, सबसे बड़े मसाइल होते हैं दुनिया के, बड़े बड़े लोग वो सब साथ बैठकर और बड़े खामोशी और एतदाली के साथ और खुलूस के साथ और आवाज़ भी नीचे करके, हमें ज़रूरत तो नहीं है कि हम यहाँ पे चिल्लाएं दूसरे के ऊपर। और आपका आसमा ये शिकायत है दैट आप ही कह रही हैं कि ये जो हैं पहले आपको आकर टाइम देते थे, अब ये आकर फ़ोन पर लग जाते हैं। इनसे पूछो तो ये कहते हैं गेम्स खेल रहे हैं, कोई फ़ोन आता है तो कमरे से या घर से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है उन्हें भाई कि मैं घर आता हूँ तो इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये सारा टाइम बच्चों को देती हैं, खाने को देती हैं, और आप जो हैं कोरियर वाला बन गए हैं जो अदरक लहसुन और वो लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है सर, जो मैंने आपसे सवाल किया था तो वो मैंने आपसे इसलिए किया था नदा आपकी इजाज़त से, कि बच्चे किसके हैं, पाल रही हैं वो? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं बच्चे किसी बाहर बच्चों को, किसी यतीम बच्चों को ले लिया हो, गोद उन्होंने उनको पाल रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। माशाल्लाह, आप दोनों का साया उन पर सलामत रहे, तो वो आप ही के बच्चे पाल रही हैं और हम आप दोनों के बच्चे पाल रही हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया बात कि बच्चों में लगी रहती हैं, क्योंकि भाई अगर बच्चों में लगे रहते तो आप लोगों के बच्चे ना भाई। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो अदरक लहसुन आपको लाने के लिए कह रही हैं तो मेरा ख्याल है वो घर का ही खाना बना रही हैं या बाहर उन्होंने दस्तरखान लगाया हुआ सड़क पर, ऐसा भी नहीं है। तो वो आपके लिए खाना बना रही हैं, आप दफ्तर से आ रहे हैं तो आपके लिए खाना आपको मिले, बच्चों को मिले, बकिया कोई आ जाए दस्तरखान पे उसको मिल जाए, हम दोनों आ जाएं उसको भी मिल जाए, लेकिन वो बेसिकली आपके घर को टाइम दे रही हैं। अब उसमें अगर आपका ये शिकायत, आपका ये पॉइंट, ये नुक्ता कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं देती, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनके हवाले से, उनके पर्सपेक्टिव से नाजायज़ है, क्योंकि जब एक औरत कहते हैं ना, एक औरत पूरी एक जो है वो पूरा ख़ानदान उसकी तरफ से, उसकी वजह से, अगर आज निदा, अभी मैं बहुत एडमायर कर रही थी माशाल्लाह निदा को, कि मैं अभी वेट कर रही थी ना, मैं अपना मेकअप करवा रही थी, मैं सबको बताऊं, मुझे नहीं पता मैं बता सकती हूँ नहीं बता सकती, बट आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू कि ये तैयार होके बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर ये यहाँ पर आती हैं।
तो ये अपनी जिम्मेदारियां हर तरफ से निभाने की कोशिश करती हैं। इंसान से कम ज्यादा हो ही जाता है, हम इंसान हैं, गलती के पुतले, परफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ एक ही जात उतरी थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धरती। तो बात जहां इसकी आती है कि उनको जो शिकायत है वो ये है कि आप टाइम नहीं देते, उनका इल्ज़ाम, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि आपका कहीं और रिलेशनशिप है? मुझे लगता है कि इनका है रिलेशनशिप। आपको किस बुनियाद पर लगता है? क्योंकि 6-7 महीने से ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल घर से आउट हो गए हैं। हो सकता है काम में बिजी हो गए हो। आप फजूल बकवास कर रही हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है मैडम। पहली बात तो ये है भाई, वो अभी भी आपके निकाह में हैं, आप अपनी बेगम को अगर ये ना कहना कि बकवास कर रही हैं तो मेरा बड़ी मेहरबानी होगी ताड़ी। ये पहले टॉपिक पे बात इस तरह बात नहीं करते थे मुझसे, इस तरह अब करते हैं। ये 6-7 महीने से चले मैं इनको टाइम नहीं दे रही, बच्चों को भी टाइम नहीं। पहले आपने मेरे साथ ये भी नहीं किया, आप मुझे यहाँ पे लाके बिठा रही है, तो आप लाए ना घर की बातें आप यहाँ कर रही है। आप लोगों ने क्या कभी घर में बात करने की कोशिश की है? कोशिश की है मैंने ये बात करने की मैम, इन्होंने मुझे कभी लगता भी है या तो फेयर है ये शादी है, पता नहीं है, ये बता दे ये मुझे। सिर्फ और सिर्फ इल्जामात से शुरू होती है कि मेरा चक्कर है। आप मुझे बताएं, मोबाइल सिर्फ लड़कियों से बात करने के लिए सवाल होता है? नहीं, लड़कों से भी कर सकते हैं आप मुझे, और दूसरे उसके ऑफिस के कोई काम नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन हर दफा मैं आपको बात बताऊं, योर ब्रदर इन लॉ माय हस्बैंड उज़ैर कहते हैं एक बात बड़ी, कहते हैं ये जो मोबाइल है ना, इसने खानदान के खानदान दबा किए, ये उनका एक, जब वो तपते हैं ना बहुत ज्यादा, हाँ। तो वो ये कहते हैं ये जो मोबाइल है ना ये बहुत बड़ी जड़ है। कहते हैं ये एक ऐसी चीज है। अच्छा, हम लोगों ने बैन लगा दिया है कि हम व्हाट्सएप पे बात ही नहीं करते हाँ। हमने उसूल बना लिया, हमें बात करनी है ना फोन उठाएंगे बात करेंगे, वरना व्हाट्सएप पे क्या बात होनी होती है उसका क्या? क्योंकि देखिए हर मियाँ बीवी में जो है वो होते हैं कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, बहस होती है, लेकिन कभी कभी आप किसी और मूड में, अगला किसी और मूड में, आपको कुछ और लिखा, आप समझे कुछ और, और ये व्हाट्सएप ये सब जड़ है। ये घर में प्रॉपर खर्चा नहीं देते, टाइम नहीं देते, खर्चा नहीं देते पहले की ये तरह तो आपका फर्ज है ना, पहले ये तो आपको दीन ने भी आपके ऊपर आपका फर्ज है बॉस, मतलब हर चीज का पता चलता है। मैं करता हूं ये गलत बात कर रही है, माशाल्लाह आप इनको देख सकती हैं, इनको खर्चा नहीं देता हूँ मैं, आप इनकी देखें हालत। मैं आपको फिर टोकूंगी दूसरी बार बॉस कि ये आपके निकाह में हैं, आप जितनी रिस्पेक्ट से आ सकते हैं पेश उतने आइएगा, अगर आप उनके रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। इन्होंने मेरे साथ सही किया, आप मुझे बताएं, इन्होंने मेरे साथ सही किया, कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता मैम। मैं भी मतलब क्या नाम है, लड़कियों के लिए सब कुछ बना हुआ है, तो नहीं कर सकते तो आप बात करें ना, आज आप बता दें मुझे तो ये लेके आई है, आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मुझे कहाँ लाके बिठा दिया, और मैं मतलब इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, मेरा खानदान भी देख रहा है, सब सुन भी लेना कि ये प्रॉपर तरीका नहीं था बात करने का। इन्होंने मुझसे कभी घर पे कोशिश अच्छा, नहीं की बात करने की। इस मसले का फिर हल क्या है मुझे ये तो बताएं, इस मसले का मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, ये बता दें कि वाकई इनका अफेयर है शादी है, मैंने नहीं रहना, आप इनसे पूछ लें। आपका मेरा कोई अफेयर नहीं है, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, अफेयर ना नहीं, मैं नहीं मान सकती। पता है क्या, एक बात मैं आपको भी बोलूं, जब हमारी बहन बेटियां मायें ना मियाँ को ये कहती है ना कि तुम्हारा अफेयर है, कहीं अफेयर है, तो मैं तुम बेशक करती हूँ, तुम्हारा कहीं और चक्कर होगा, तुम्हारा ये होगा, ये हम गलत करते हैं, औरत जात गलत करती है। इसलिए मैं कहूँगी निदा, पता नहीं मुझे अग्री करेगी आप मुझसे कि नहीं, पर निदा कहीं ना कहीं हम वो बात कि उसकी कहीं सदाकत ना भी होना तो वो आप बीज अपने शौहर के सर में बो देती, ठीक है आप। मैं पहले मैं ऐसा नहीं बोलती थी, ये इन्होंने खुद इस तरह के हालात पैदा किए हैं जिसकी वजह से हालात तुमने पैदा किए हैं, मैंने कोई हालात पैदा नहीं किए, मैंने हमेशा तुम्हें मुमकिन खुशियां देने की कोशिश की है, मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया मैडम, मेरी इनसे लव मैरिज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इनसे लव मैरिज की है, मैंने हमेशा जो मुझसे हो सका है मैंने इनके लिए करने की कोशिश की है। थोड़ा सा प्यार से बात कर मैडम, मैं प्यार का ये खत्म हो चुका है, प्यार तो बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे सोचे इस तरह करें तो अब अलग से किस तरह करते होंगे। अच्छा ओके, आपका ये है कि वो टाइम नहीं देते, खर्चा नहीं देते, और आपको शक है कि इनका कहीं रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरा कहीं रिलेशनशिप नहीं है, बाकी उन्होंने ये बोला कि खर्चा आप खर्चा क्यों नहीं देते, भाई ये क्या बताएं मुझे। मैम मैं जितना हो सकता है, कभी हमारे इंसेंटिव में प्रॉब्लम हो जाती है, मार्केटिंग तो जितना की हो सकता है, अच्छा बिल्कुल मैडम हमेशा किया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक कर रहा हूँ, तो जितना और आगे भी करूंगा। अच्छा वीकेंड में भी घर पे नहीं होते, दोस्तों का बोल के बाहर चले जाते हैं, तो मैडम वीकेंड अक्सर मियां नहीं होते वीकेंड। अभी मेरे कुछ दिन पहले बेटे की बर्थडे थी, उस दिन भी ये नहीं आए, आपके बर्थडे पे भी नहीं थे, मेरे बच्चे की बर्थडे पे आई, हमारे बच्चे के बर्थडे पे नहीं था। मैडम मैं हैदराबाद गया हुआ था किसी काम से, मैं रात को 4 बजे आया हूँ,
मुस्लिम में हादसे से भी बच गया तो उसकी फिक्र नहीं है, बच्चे की बर्थडे याद है, हमेशा से कम टाइम देते हैं अभी, ये कुछ 6-7 महीने से इस तरह हो रहा है, तभी तो मुझे डाउट है इन पे। आपको कोई सबसे बड़ा डाउट की और कोई चीज मिली है कि कुछ है सीन है, मैसेज पकड़ा हो, किसी ने कोई फोन करके बताया हो? नहीं, फोन तो इनके पास रात में भी ऑफिस से अगर आ भी जाते हैं तो मुसलसल फोन पे लगे रहते हैं बात कर रहे हैं। फोन पे वो लगाया हुआ है सिक्योर कोड, हाँ पासवर्ड है, मैं खोल नहीं सकती, मैं उठा भी लूं तो आप इनको नहीं पता आपके फोन का पासवर्ड? नहीं बताया था मैं, क्यों मतलब मैं कौन हूँ, मुझे क्यों नहीं बताते ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, लेकिन मैडम क्या नाम है, जब इनकी वो होता है ये देखती है, ये चेक करती है मेरा मोबाइल, तो इनको क्या शर्म? नहीं देखें, अगर बीवी चेक कर भी लेती है ना तो उसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि बीवी ही आपकी ढाल है, वन तो नवाज़ुकुन वन लिबासुकुन, आप उनका उसका लिबास है, आप वो आपका लिबास है, अगर आप एक दूसरे को लिबास की तरह ट्रीट नहीं कर सकते तो सीरियसली हमें वो आयात पढ़ने की जरूरत है और हमें मुताला करने की जरूरत है जो हमारा दीन कहता है कि एक दूसरे का आप लिबास हैं, एक दूसरे के लिबास मतलब ढका हुआ, और अगर आप इसे को ढक नहीं सकते तो इसका मतलब है आप बरहना हैं और वो रिश्ता खुल गया अपने रिश्ते को आप जितना जी। और क्या चीज, मैंने इनको एक बार शॉपिंग करते हुए देखा है, लेडीज शॉपिंग कर रहे थे, लेडीज सूट खरीदे, तो मैंने इनसे पूछा भी तो इन्होंने कहा कि ये मेरी जो दोस्त है उनकी वाइफ है, तो उन्होंने मुझसे मंगवाया है बर्थडे, मतलब तो ये मैंने से पूछा भी किसके है, तो ये कहने लगे मुझे नहीं, दोस्त ने मंगवाया था, मैं उनको दे रहा हूँ। हो सकता है दोस्त ने मंगवाया हो ना, लेकिन पहले कभी नहीं इस तरह किया इन्होंने। मैडम ये बिना वजह की बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है, मेरे हाथ में अगर कोई शॉपिंग बैग है तो वो किसी लड़की का, मेरे साथ मार्केट या मुझे किसी लड़की को देना, मेरे शॉपिंग के लिए भी नहीं जाती ये। बिना वजह आपसे एक सवाल किया ना कि या तो आपके हाथ में कोई सबूत आया हो या कोई शख्स या कोई चेहरा या कोई औरत जिसके ऊपर आपको शक हो कि इससे है, या कोई ऑफिस में इनका कोई सीन है किसी के साथ? ऑफिस में ही है, क्योंकि ऑफिस ही होते हैं ना ये तो पूरे दिन, ये तो हवा में आप थोड़ा सा हो रहा है ना कि हवा में आप नहीं दे, ये पैसा रही कुछ ज्यादा। अच्छा मैं ये एक दफा नहीं, एक दफा मुझे याद के अंदर पाल के रखा हुआ है, मैंने रिसीव किया था, लड़की बात कर रही है, जिंदगी भी खराब कर रही है, मेरी जिंदगी भी खराब कर रही है और मेरी औलाद की जिंदगी भी खराब कर रही है। कुछ दिन पहले कॉल आई थी, मैंने रिसीव की थी, बिना वजह का इन्होंने फतूर दिमाग में रखा हुआ है कि मेरा किसी से चक्कर है। आप ये बताएं, पूरे पाकिस्तान की लड़कियां मेरे लिए बैठी हुई हैं, उस दिन जो कॉल आई थी, कोई काम नहीं है, पाकिस्तान की लड़कियों को बहुत काम है बस। मैंने उनसे पूछा किस लड़की की कॉल है, तो उन्होंने कहा कि ना पता नहीं किसके रॉन्ग नंबर, पता कोई कलीग इनका नाम लिया है उन्होंने, हो सकता है मैडम, तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, मेरी क्लाइंटेज है, तरह तरह के लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मुझसे बोल सकती थी ना, वो बात कर सकती थी, हो सकता है वो घबरा गई हो। आप कंफर्म करती अपने शौहर को कि भाई ऐसे ऐसे देखे, अगर मैं आपको एक मशवरा दूं, आप बेहतर जिंदगी के लिए, भी एक लेडी मेरी कस्टमर की कॉल आई थी, इन्होंने उनसे उल्टी सीधी टेलीफोन पे बात की, आप यकीन करें वो कस्टमर मुझसे लूज हो गई। आप एक काम करें ना सर, सबसे पहले देखिए मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ, और मेरे सामने साहब निदा ने भी कहा, मेरे सामने बहुत मुद्दे आए हैं, मैं कराची से बाहर कितने मसलों को लेकर गई भी हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि देखिए औरत एक, मैं क्योंकि खुद एक औरत हूँ और अब मैं एक बीवी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक वाइफ का दिल बहुत सेंसिटिव होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत कुछ फील कर जाती है, उसको इमोशनली और उसको फिजिकली और उसको हर तरह से सिक्योर फील कराना सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर का काम है। जो सिक्योरिटी उसको उसका शौहर दे सकता है ना भाई, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और दूसरी बात आसमा, राय का पहाड़ ना बनाए, कोई चीज़ हो तो समझ में आता है, नेता ने भी कहा क्या आपको किसी के बारे में पता है, ये आप कैसा राय कर रही हैं, क्योंकि अगर कुछ ना हो ना तो शायद आपके टिंग 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 करने पर ना एक दिन वो करी डाले और सामने आ जाता है, और सामने अगर कुछ होता है ना, बजाय इसके कि आप अपने आप को जला रही हैं, खुड़ा रही हैं, एग्जैक्टली कुछ अगर होगा, ये शैतानियत है, ये बिला वजह की लड़ाई झगड़ा जो आप खामा खाई में चिक 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 चिक, आपको पता है जिस घर में झगड़े हो, मक्कार तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की, अब ये यहां पे आके बैठे हो, मैंने तो अभी मैंने लाइव शो पे देखा कि तुम इनकी अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हो, तुमको शर्म नहीं है मेरे साथ धोखा करते हुए? अब ये कौन है, क्या बताएंगे, ये बताएं मैं कौन हूँ? माने कि मैं सिर्फ शक कर रही थी, अब देखे सबूत सामने आ गया आपका, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। जिंदगी किसी की बर्बाद नहीं हुई, इससे मैंने निकाह किया है, ये मेरी बीवी है। अब बताएं आप, क्या बताएं, आपने मुझे बताया था कि ऑलरेडी आप पहले से शादीशुदा हैं, मैं तो आपसे कभी शादी नहीं करती। मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? एक मिनट, आपने तो मुझसे भी लव मैरिज की थी ना, तो मतलब ये क्या है, मतलब एक सेकंड, आप इनकी बेगम हैं जी, और आप तो है ही बेगम। अच्छा आपने इनसे जब निकाह किया, आपने इनको नहीं बताया था आप शादी हुई भी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं बताया था इन्होंने मैडम। अच्छा आप इधर आए, आप इधर आ जाए, हाँ आप सिर्फ आ जाए, क्योंकि वो आप मुझे बताया ये पता नहीं सच बोल रही हैं कि नहीं। हाँ ये सच भी बोल, हाँ वेरी ट्रू, वेरी वेरी वेल पॉइंट।
जी मैडम, मैंने निकाह इन्होंने किया है मुझसे और इन्होंने मुझसे झूठ कहा है। मुझे बताया नहीं कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है, इनके बच्चे। अभी मैंने लाइव शो पे देखा कि इनकी वाइफ बैठी हुई है। कितना अर्सा हुआ है आपसे शादी के? अभी मुझे 5 मंथ हुए इनसे शादी करके। तो फिर सही था ना मेरा शक? मैं कह रही थी ना 6-7 महीने हो रहे। देखो बिला वजह इस तरह की बातें बस कर दें आप, बस कर दें, अब तो बस कर दें। अपना भी तमाशा नहीं करो, मेरा भी तमाशा नहीं करो। जिंदगी बर्बाद कर रहे, कह रहे तमाशा नहीं करूं। जिंदगी किस तरह बर्बाद की? जिंदगी बर्बाद कर दी बहुत। आप झूठे और मक्कार इंसान है। आप जैसे इस दुनिया मैंने कभी नहीं देखा किसी को। नहीं बट आपने इनसे भी छुपाया, आपने इनसे भी छुपाया, आप निकाह कर रहे थे। अगर आपने करना था तो आपने अपनी या तो वाइफ से इजाजत ले थे, ही नहीं ना कि या फिर आप हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम दोनों सपोर्ट कर रहे थे आपको। आपको सपोर्ट कर रहे थे कि बॉस आपकी जिंदगी शायद बहुत सी चीजों को नोट कर रही थी, ये बहुत चेंज हो गए थे बॉस। ये तो आपने बहुत भंड हो गया आपसे। क्या कर लिया आपने? अब आप क्या करेंगे, इधर के रहेंगे या उधर के रहेंगे? मुझे पर इस इंसान के साथ अब नहीं रहना है ना आपके साथ। अब हैं बर्दाश्त की हद होती है। एक मिनट माया मैम, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे भी मोहब्बत करता हूँ, इनसे ये मोहब्बत थी ना, सामने लाके दूसरी बीवी खड़ी कर दी है। मसालत का हल वो करें, जो इनका मजहबी हक है वो मैं पूरा अदा करूंगा। दिख रहा है कितनी मोहब्बत करते हैं। इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं, जो झूठ के बुनियाद पे आपने काम किया है। इसकी जिंदगी खराब करना चाहता हूँ ना मैं, इसकी जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब, अब क्या बचा है? क्या है? कुछ नहीं बचा हमारी जिंदगी। आपको ये लग रहा था मैं यहाँ आपको लेके आ गई हूँ, अब जो सब बदल गया है, दूसरी शादी कर ली है। क्या जवाब दूंगी कि मैंने एक शादी शुदा से 5 बच्चे के बाद से मैंने शादी की है? अच्छा एक सेकेंड, आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा, देखिए शादी करना कोई गलत बात नहीं है, ये आपने हलाल काम किया है। आपके साथ भी धोखा हुआ है जी, और आपके साथ तो धोखा हुआ ही है, ठीक है? नहीं भाई, आपने जो ये ब्लंडर किया है ना, इसमें आप जो जवाब दें हैं, देखिए मैं कोई नहीं होती आपको जज करने वाली, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो है हक ही नहीं दिया वो कि मैं आपको जज करूँ। बट वट आई कैन से इज़ कि आपने हर जगह झूठ बोला। जो इंसान झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम करता है वो रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। मैं सही शक कर रही थी, मुझे पता था कुछ है। मैं इनसे क्या भरोसा, आज इनकी ये जैसी हो गई है, इन्होंने मुझसे शादी की। आप जानती हैं अपना साइमा इनको, ये आपके कुलीग हैं, आपके ऑफिस में होते हैं जी। अच्छा ठीक है, यानी कि आपका शक सही था। तो आपको ऑफिस के किसी दोस्त वोस्त ने नहीं बताया इनके कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके इतने सारे बच्चे हैं? नहीं मैम, किसी ने भी नहीं मुझे नहीं बताया। ऑफिस में भी क्या पता भी है कि शादी क्या पता है और इतने बच्चे हैं? क्या पता ऑफिस में ये नहीं बताएंगे जब भी ना, तो किसी ने नहीं बताया ऑफिस में, तो सारे लोगों को पता है। अच्छा आपने शादी कर ली, आपके घर वालों ने भी निकाह कर लिया बगैर ये पता करवाए कि भाई इनकी शादी हुई हुई है नहीं हुई हुई है, बच्चे हैं नहीं? आपने आग बंद कर ली, आप मोहब्बत बंदी हो गई थी बिल्कुल। मैम ये इन्होंने इतनी सफाई से अपनी कहानी बयान की है कि इनकी कोई भी नहीं है, वालदा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो हमारे घर वाले में सोचा चलो इनकी शादी करवा दो। नहीं, मेरे सास ससुर नहीं है। तो आपने कर ली? कोई आपके निकाह में दोस्त वोस्त आए थे इनके कोई? जी बिल्कुल आए थे। वो दोस्त आपके साथ दे रहे हैं झूठ में और आपने उनको बताया नहीं कि आपको शादी? आपने अगर करनी है तो इस औरत की शादी की है। नहीं लेकिन झूठ करके, झूठ बोल के की है ना बॉस। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इसको नहीं बता सकता। ये काम कर रहे थे ये, ये ज्यादा काम आप ये कमा नहीं बता सकते थे, आप इनको नहीं बता सकते। सिचुएशन क्या है मतलब कि जब मर्द को दूसरी शादी करनी होती है तो उसे बहाने चाहिए होते हैं। हाँ कि मेरी बीवी में ये अब 10,000 बुराइयां निकाल रही है। अगर ये मेरे जैसे हो जाएंगे तो तीसरे का नहीं बता सकता था। देखिए कोई वैलिड रीजन हो, जैसे कि ये खातून जो है कहते हैं भाई अपना इनके आपने इनके गोद में बच्चा डाल दिया। अक्सर औरतें होती है जो कहती है मेरे गोद में बच्चा डाल दिया, मेरी जिंदगी अजीब हो गई, मेरे बच्चा पैदा कर लिया, मेरे मुझे बड़ा बना दिया। ये कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं, या तो ये ऐसी बीवी थी कि भाई मेरे मेरे बच्चे क्यों दे दिए, या तो ये अच्छी माँ नहीं है, या तो ये अच्छी बीवी नहीं है, या ये अच्छी बहू नहीं है कि मैं हैवी हो गई हूँ तो मेरे साथ नहीं आने जाने में इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये आप मेरे मैं इंस्टाग्राम पे सबको बता दूं, ये दुनिया को मैं इंस्टाग्राम पे देयर इज दिस पर्सन जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनका नाम आपको दिखाऊंगी अगर हो सका तो, मैं टीम को भी दूंगी। वो इंसान अपनी वाइफ के निदा हर दिन एक तस्वीर अपलोड करता है अपने साथ और कहता है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरी बीवी मोटी है जैसी भी है, मगर मेरी नज़र में वो सबसे खूबसूरत औरत है। जो शख्स अपनी बीवी को ये कह दे तो मेरे साथ क्या लगो कि जाते हुए, उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता, ठीक है? उससे ज्यादा डिजर्व नहीं करते, डिजर्व नहीं करते। सीरियसली मैं आपको नहीं कह रही रहे भाई, मैं आपको नहीं कह रही, मैं उस सोच को घटिया कह रही हूँ माजरत के साथ जो ये कहे कि मेरी बीवी जो मेरी इज्जत है, जो मेरी नस्ल को लेके आगे चल रही है,
वो मोटी हो गई है इसलिए वो मेरे साथ चलकर क्या लगेगी, वो मोटी इसलिए हुई है बिकॉज उसने आपका घर संभाला, उसने आपके बच्चों को पैदा किया, आपको छोड़ दिया, और अपने आप को छोड़ दिया उसने। सनम जंग के वे शो में गई थी एंड सनम ने मुझसे ब्रेक में कहा कि एवरीबॉडी इज सेइंग दैट आई हैव गेन्ड अ वेट, तो मैंने ऑन एयर बोला था कि जो तुम्हें कहते हैं सनम मुझे उनका नहीं पता, लेकिन इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है, आपने कितनों को दिया है वो मुझे नहीं मालूम। हर इंसान अपने फेल के लिए जवाब दे उन्हें भाई। ये मुझे इन्होंने नाम दिया है पॉइंट जिस पे हम लोग सब आई डोंट नो आप लोग अग्री करते हैं इस बात से नहीं कि आपने झूठ की बुनियाद पर रिश्ते रखे, झूठ आपने इनसे भी बोला, झूठ आपने इनसे भी बोला, आपने दोनों से झूठ बोला, ये ब्लंडर हो गया बॉस। Yes, ma'am, accept करता हूं। अब आप क्या समझते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी हो, क्या आप समझते हैं कि आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि आपके झूठ को वो कवर करे और ये दोनों मान जाएंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती मैं भी इनके साथ। उन्होंने झूठ के बुनियाद पे ये रिश्ता कायम किया, अब ना जाने ये आगे कितनी झूठ बोलेंगे, कल को मैं भी इनके जैसी एजिट हो जाऊँ तो ये भी मुझे छोड़कर तीसरी कर लेंगे, जब ये दूसरी कर सकते तो इनका क्या भरोसा ये तीसरी भी कर सकते। नहीं, मुझे नहीं रहना इनके साथ, बस बहुत हो गया, मुझे रहने ही नहीं। ऐसे नहीं होता ना, मुझे ये सलाह दी है ना, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, मैंने इनके बच्चों को संभाला, इनके लिए खाना बनाया, हर चीज किया, इनके अपने नंदों को सबको संभाला, और ये आज ये नौबत हुई है कि मुझे ये नाम मिला है, हद होती है बर्दाश्त की भी। अच्छा एक सेकंड, आप इनको पानी दें प्लीज, आप लेकर आओ है ना पानी दें और एक बार पानी लाओ, आप लोग छोटा सा वक्फा लें, विल बी राइट बैक बिकॉज अच्छा जी हम एक दफा फिर आपके सामने हैं, माया हमारे साथ है, और इससे पहले कि मैं एक और इशू आप लोगों के सामने लेकर आऊं जो सोसाइटी की गढ़ है और हर घर में जहां एक से ज्यादा बेटियां होती हैं हर घर में ये चीज होती है, लेकिन उससे पहले कि हम आगे जाएं मैं ज़रा एक रिवर्स गियर लगाऊंगी और जो पिछला हमारा एक सोशल इशू था उस पे कुछ रोशनी डालो माया, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? निदा आई बिलीव कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबसे पहले जो स्टार्ट होती हैं वो हमारी वजह से होती हैं। मतलब मैं अपनी बात करूंगी, अगर मैं एक बीवी हूं और मैं अपने हस्बैंड को चैं 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 करती रहूंगी तो वो एक दिन कहेगा ओके ठीक है चैं, तो फिर चैं तंग आ जाए, सुकून नहीं है, सुकून ही नहीं है घर में, अब तो ठीक है फिर जा। क्योंकि अगर हम चैचे चैचे करते रहेंगे ना, मैं मानती हूँ आप बहुत सारे आप हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं, आप घर के सारे इमोशनल इश्यूज से आप गुजरती हैं, आप फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रही होती हैं कि यार मैं आज ये बचा लूँ तो आज मैं वो कर लूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं बात बताऊँ उतना खींचे रबर बैंड को कि रबर बैंड टूट ही ना जाए। और यही चीज मैं हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आपका काम है, मैं अग्री करती हूँ सारे मियाओं के काम होते हैं, वो घर आते हैं, वो मोबाइल में भी चेक कर रहे होते हैं, मेल्स पर ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, आप बकिया चीजों पे अब व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं सबके कामों के, आई कम्प्लीटली अग्री, बट कभी कभी एक उसूल हमने बचपन में सुना था कि जब घर में आओ ना तो बाहर के दफ्तर के काम दफ्तर में छोड़ कर आया करो। कभी कभी आपकी बीवी, क्योंकि देखिए वो किससे सुने कि तुम अच्छी लग रही हो, किसी गैर आदमी से सुने तो वो गलत होगा, वो किससे कहे कि मुझे टाइम चाहिए तुम्हारा, किसी गैर आदमी से कहे तो भी गलत होगा, वो किससे कहे कि कोई आकर मुझे आज मेरा दुखड़ा मेरा सुन ले, क्योंकि आप तो थके हुए हैं, आप तो सारा दिन गंवा कर आए, तो वो किससे अपना दुखड़ा रोएगी? अगर आपसे नहीं रोएगी तो फिर आप एक मशीन बन के रह गए, आप सुबह उठते हैं नाश्ता करके चले जाते हैं, आते हैं वापस आते हैं थके हुए होते हैं, मुझसे बात नहीं करो और सो जाते हैं। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट सब कपल से कि प्लीज़ बैलेंस उस तरह से होगा, क्योंकि शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर रोज काम करने की जरूरत है, रोज। ये ऐसा रिलेशन है, ये नहीं कि आप एक दिन आपने कर लिया अच्छा और चार हफ्ते तक भूल गए, नो, एवरी डे अपनी वाइफ को बोले दैट यू लव हर, एवरी डे बेगमात अपने शोहर को बोले दैट आई लव यू, क्योंकि ये प्यार अभी अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कभी कभी कहते हैं ना कि अल्फाज का जो असर होता है अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है। क्या बात है, जबरदस्त जी। माया अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगी जो हमारे घर में तो ये होता है ना कि दामाद आ गया, दामाद आ गया, दामाद को मतलब हम लोग जो अपने घर में साईं जिन कहते हैं, साईं जिन की तरह होता है कि ओहो हो दामाद आ गया तो घर में ये पकेगा खास, सास के लिए ससुर के लिए उनकी बेटी का हस्बैंड
एक बहुत बड़ी अहमियत लगता है, उसका मुकाम बहुत ऊंचा होता है. आपकी अपनी बेटी से ज्यादा आपका दामाद बेटा हो जाता है. एग्जैक्टली. हाँ, ये वो होती है. हाँ. ये वो इम्पोर्टेंस, मतलब मैं, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इनकी है घर. हाँ. में. हाँ. ही, ये बहुत लाडले अपने घर. बिल्कुल. बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, हर एक की आंखों का आया नहीं, काफी दिन हो गए, चक्कर नहीं लगाया. आए थे अम्मा, आए थे भाभी, मैं उसकी पसंद का शिमला मिर्च कीमा बनाई हूँ. उनको भाभी कहते शिमला मिर्च, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस लाइक यू सर कि वो साई होता है कि एवरीबॉडी जस्ट लव्स द मॉम. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. लेकिन अब क्या होता है, अब जब आपके पास एक बेटी नहीं है, एक से ज्यादा बेटियां हैं, तो सबके हस्बैंड्स होते हैं. और उर्दू में साड़ू कहते हैं ना, साड़ू. हाँ, 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 से जो हाँ, बेटियों के जो शौहर हैं, हाँ, में जो उनका रिलेशन होता है. हम जुल्फ भी कहते हैं, साड़ू भी कहते हैं. आई डोंट नो, पता नहीं, स्लैंग तो नहीं है ये. नहीं नहीं नहीं, दस हो गया. तो यहाँ ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि एक दामाद ये हैं, एक दामाद ये हैं. अच्छा. और सास ये हैं. अब आपस में इनको कोई प्रॉब्लम है, वो प्लीज आप बताएं माया को कि क्या है और शिकायत कौन लेकर आया. पहले ये बताएं, शिकायत मैं लेकर आया मैडम. अच्छा. हाँ, मेरा मसला ये है कि मैं, मेरी शादी को 5 साल हो गए. ओके. मैं घर दामाद हूँ. ओके. लेकिन मेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है मेरे घर में. यहाँ तक के मुझसे हर काम ये लोग करवाते हैं. मुझे कहीं किसी भी तरह की कोई भी इज्जत मिलती है, उससे जेलिस होते हैं. बल्कि यहाँ खाना खा रहा होता हूँ, खाना खाते खाते थोड़ी देर में देखा पंखा बंद कर दिया. क्या हुआ भाई? वो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया. मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरे कमरे में जाके पंखा खोल के वहाँ हाथ रख के खड़ा रहता हूँ इतनी देर तक के कि मेरा पसीना खुश्क हो जाए. ये है नौबत इस घर में आ गई है. अब मैं छोटा दामाद हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है. अच्छा, मुझसे गाड़ी, अभी गाड़ी इन्होंने खरीदी है, मुझसे पूछा तक के नहीं, मशवरा तक के नहीं किया, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होती है. बल्कि ये कहते हैं कि इनको पता ना चले. जब आप घर में रहते हैं, मैं उसी घर में रह रहा हूँ, मोहब्बत की वजह से उस घर में रह रहा हूँ कि मेरे अंदर ये मोहब्बत है, मैं मिलनसार हूँ, मैं सबसे हंस मिल के बात करता हूँ. ये भी घर दामाद है? जी, ये भी घर दामाद है. बड़े दामाद नहीं, ये घर दामाद नहीं है, इनका अपना घर है. माया, आपने इनको सुन लिया ना इनकी? अच्छा, पहले मैं पूछ लूँ, आपका हो गया जी? अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब शिकायत क्या है? जी, मेरी शिकायत ये है कि मेरी इज्जत नहीं है घर में. दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, मुलाजिम की इज्जत है, ड्राइवर की इज्जत है, माली की इज्जत है, खानसामा की इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है घर के अंदर. आपको प्रॉब्लम है कि आपके घर में रिस्पेक्ट नहीं की जाती? ओके. ऐसा कुछ नहीं है माया, ये महसूस ज्यादा करते हैं. ओके. मेरे बड़े दामाद हैं, वो छोटे हैं. ओके. इनको भी वही रिस्पेक्ट दी जाती है घर में जो इनको दी जाती है. ये जरा सिंसियर है, ये थोड़े लाओ वाली टाइप के हैं. अब ये महसूस करते हैं बेटा, आप थोड़ा सा ख्याल करें ना. ये तो इनका ऐसा गुमान है कि मैं लाओबाली टाइप का हूँ, जब सारे काम मैं घर के कर रही हूँ. हमने आपकी बात सुनी ना, आप थोड़ा सास को भी बोलने दें. आप ही हमारे घर के फर्द हैं, बेटों जैसे हैं, तो आप ये महसूस करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वही रिस्पेक्ट दी जाती है जो इनको दी जाती है. मेरी दो बेटियां हैं माया, दोनों माशाल्लाह सिंसियर हैं, और मैं उन दोनों बड़ी बेटी की ही बड़े जी, ये मेरे बड़े दामाद हैं और छोटी बेटी की हैं. अच्छा, ओके. अब आप बताइए क्या कह रहे. अच्छा माया जी, अभी आपने इनको सुना होगा, इन्होंने कहा कि मैं घर दामाद हूं. जी, घर दामाद होने का मकसद ये नहीं होता कि हर वक्त घर में ही पड़े रहो, कुछ काम भी करने होते हैं. करेक्ट. जरूरी नहीं है कि घर के काम भी हो. जॉब, औरत को अपने मर्द की कमाई चाहिए होती है, चाहे वो 100 रुपए हो चाहे 2 रुपए हो. करेक्ट. ये कहीं जॉब करने के लिए तो उफ माय गॉड, इतनी प्रॉब्लम करते हैं जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम करता है. इनकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ये जॉब नहीं करते? नहीं करते और करना भी नहीं चाहते शायद, मुझे ऐसा लगता है. मैं इनकी कई जगह जॉब्स भी लगवा चुका हूँ. ये वहाँ पे कोई ना कोई रीजन पेश करके आ जाते हैं, और जॉब वालों का फोन इस तरह मेरे पास आ रहा होता है जैसे क्लास की किसी टीचर का मेरे पास फोन आ रहा हो कि जी वो आपका बच्चा जो है ना वो नालायक है. अब ये जो बातें अभी जवाब नाम है. अच्छा नहीं, जवाब ये इतना नहीं. मामा मुझे थोड़ा सा बात तो करना है. देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये घर के उन कामों के अंदर इंटरफेयर करते हैं कि जो घर के माली और चौकीदार भी कर सकते हैं. चले घर मामा भी कर सकते हैं, छोटे मोटे काम है घर के फर्द है. अगर कर ले, ये जो कह रहे हैं पंखा बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं. अच्छा ये पंखा उस वक्त ऑन करते हैं, इनकी प्रॉब्लम है. इनको पता है लाइट जाने का टाइम है, उस टाइम ये पंखा ऑन कर देते हैं. 5 मिनट बाद लाइट चली जाती है और उस कमरे में जो पाया जाता है उसको कहता है तुमने बंद किया, तुम्हारी वजह से हुआ. और जॉब कौन सी लगवाई? मेरी बिरयानी सेंटर में मेरी जॉब लगवा दी. वहाँ पे मुझे कहा था इन्होंने कि कोई टेबल पे कपड़ा पड़ा नहीं मारने, बस खाली आपको काउंटर पे खड़ा होना कैश पर. और वहाँ मुझसे वो बोले टेबल पे कपड़ा मारो, टेबल साफ करो. अब ये बताइए, पहली बात बिरयानी सेंटर में जॉब लगने से प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो बिरयानी सेंटर की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, हम सभी हैं. लेकिन अगर आपकी वहाँ पर जॉब लग गई तो प्रॉब्लम क्या है? जॉब ही लगी थी ना.
जी जी जॉब लगी रोजी लगी थी ना, लेकिन हमारा मजदूरी कर आपका ताल्लुक का क्या मतलब है? नहीं, कहने का मकसद ये है कि हमारी फैमिली जो है वो एक अच्छे घराने से हमारा ताल्लुक अच्छा, तो उसमें मेहनत करने से मना करते करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, धोखा दही की बुनियाद पे। अरे भाई धोखा देने की बात नहीं, उन्होंने आपको जॉब तो दिलवाई, ये तो उनका एहसान हो गया ना आपको। लेकिन तीन महीने बाद उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप चले गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं इनकी तालीम पे एतराज नहीं करूंगा, पता नहीं क्या तालीम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जॉब करें ना, मतलब ये कि आप जॉब के अंदर इतना लोगों को जाके परेशान कर देते कि वो कहते हैं कि हम काम संभालें आपको संभालें। नहीं नहीं, मैं आपकी हजरत बात काट रही हूँ माजरत, लेकिन आपने जो अभी बात कही ना उसमें जरा सा मेरा थोड़ा सा मीटर घुमा, इसलिए क्योंकि काम कर कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता बॉस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये जो जहाँ मैं जिस इदारे में अभी बैठी हुई हूँ, इस इदारे में मेरा बहुत वक्त गुजरा है, ये मेरे दूसरे घर की तरह है, और मैंने यहाँ पर बहुत असिस्टेंट से भी असिस्टेंट्स को जो है ना सीनियर पोजीशन पर जाते हुए देखा है। तो हमने इसी जगह पर जो है हमने पेंट भी किए हैं, हमने इस जगह पर झाड़ूएं भी लगाई हैं, ये जो फ्लोर्स आप देख रहे हैं ठीक है, लेकिन ये रोजाना वहाँ के उनसे पूछते हैं काम कैसा कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं है, तो उनकी इज्जत का मामला है ना बॉस, अगर आप वो आपको कहीं रखवाएंगे तो आगे पूछेंगे भी तो सही ना, सही काम। बाद इन्होंने खुद ही बोल दिया कि नहीं, अगर ये समझ में नहीं आ रहे तो आप इनको नहीं रखें, पूछने जाता हूं। अब ये बताइए कि ये कहां का इंसान, फोन आता है ना, मेरे पास फोन आता है ना, मेरे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस के अंदर जो है वो लंच टाइम के अंदर निकल के आपकी खैरियत दरियाफ्त करने, ऐसा तो नहीं है ना, एक दिन में 10 मिनट लेट हो गया, आपकी फिक्र है तो इसलिए मैं पीछे आता हूँ ना, अगर मुझे इन्होंने कहा कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे तो आप उनको हटा दें, अगर आपकी इज्जत नहीं है, आप कह रहे हैं आप घर दमाते हो तो आप घर में क्यों रह रहे हैं, आपने अलग घर में, मैं यही तो कहने आया हूं, नहीं मैं ये शादी खत्म करना चाहता हूं, मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं या तो ये आप मेरी बात, मेरी इज्जत होगा, क्या प्रोग्राम होगा, हमारा प्रोग्राम है बेटा, मेरी बात आप क्या करेंगे प्रोग्राम, आप जब अगर खुद नहीं कुछ कर सकेंगे आप शादी खत्म कर देंगे, इनको मैंने कई दफा समझाया, मैंने कहा है कि जो काम आपके करने के नहीं है वो आप मत कीजिए, आप सिर्फ जॉब करें, अपनी बीवी को टाइम दे रहे हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी टाइम ना दे के सुबह से लेकर शाम तक का टाइम वहाँ दे दिया और जॉब कोई करनी नहीं है, मुझे 100% अग्री आपकी। पहले अब मैं सास से पूछती हूँ, ये बताइएगा कि आपके नज़र में आपके बड़े दामाद जिम्मेदार शख्स हैं? हाँ, मैं जिम्मेदारियाँ लेते हैं घर में, उनका जो है वो जो भी आता है वो थोड़ा बहुत करते हैं, शेयर भी कर, जाहिर रह रहे हैं तो इंसान शेयर भी करेगा। देखिए माया, बात ये है कि साथ नहीं रहते, एक मिनट मुझे उनको भी देखना है, बात ये माया कि मेरी दो बेटियाँ हैं और ये दोनों दामाद हैं, ये बड़े हैं, मेरे ख्याल से हर घर में ऐसा होता है कि बड़े दामाद को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि भाई घर के बड़े सरबराह हैं, ठीक है, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों बेटियाँ एक जैसी हैं तो दामाद भी एक जैसे, अब ये है कि ये ज़रा सिंसियर हैं, थोड़ा समझदारी से हमें भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं, वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, थोड़े से वो लाओबाली टाइप के, लेकिन मेरे लिए वो भी इनके ही जैसे, अब वो महसूस कर रहे हैं उन्होंने। आपके बेटियों का क्या कहना है इस हवाले से? बेटियां तो देखें, अब मैं ऐसी जगह बैठी हूँ, मेरी बेटी ने छोटी, अब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, शादी कर ली, ठीक है शादी कर दी इनसे, हमने ये सोचा कि चलो भाई कमाएंगे अच्छा कर लेंगे, थोड़ी एजुकेशन भी इनकी कम है, लेकिन अब ये महसूस कर रहे हैं इस बात को। अच्छा, तो अब जहाँ तक निदा मुझे ये फील हो रहा है कि इस सिचुएशन में, आई डोंट नो इफ यू आर फीलिंग द सेम, और आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि ये थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हो गए हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ने जो है वो आगे हावी हो गया है, कि एक एहसास कमतरी का कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा। जी, एहसास कमतरी का मैं बार बार शिकार होता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मैं एहसास होता है ना। जी जी बिल्कुल, और जिस वक्त आप गली के अंदर जो है गली के लोगों के साथ बड़ा अच्छा सा बैठे होते हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं, जब मैं आता हूँ तो आप बड़ा अच्छा सा बात कर लो, थैंक यू सो मच कलीम भाई, बहुत बहुत दिल से बहन की तरह आपसे सवाल कर रही हूँ, सोच के दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि आपको क्या इस बात का, हाजिर नाजिर जानकर, इस बात का आपको एहसास है कि आप शायद कुछ और कर सकते थे लाइफ में और आपने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। देखें, अब उसके अंदर तो वही बात आ गई कि ताली दोनों हाथ से बजती है ना, मेरे मैं आपसे सिर्फ आपकी हद तक का सवाल कर रही हूँ कलीम भाई, ताली तक को छोड़ दें, आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते थे या आपको सिर्फ ये लगता है कि लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे इसका जवाब दीजिए। लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तो ये चीज़ आ रही है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके इस सवाल के जवाब से जो जवाब बनता है वो ये है, जो शख्स, माजरत के साथ, जो शख्स अपने लिए खुद कुछ ना करना चाहे उसके लिए कोई कुछ नहीं करता।
लेकिन एक आदमी तो कुछ भी नहीं होता है ना, एक और 11 होते हैं है? एक आदमी तो कुछ भी नहीं होता है, कम से कम उसका हाथ आपकी बेगम है ना, आपकी बेगम है ना, उनको बनाए 11 आपकी, हाँ वो उनको बनाए 11 आपकी बीवी आपके साथ है, वो बिल्कुल बिल्कुल वो आपके साथ करती है, आपसे प्यार करती है, वो भी नहीं करती है ना, बात तो यही तो मैं कहने चाह रहा था, बात यही महसूस होता है, ये कह रहे हैं आपको सिर्फ ये फीलिंग्स हैं, आप आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, पता है मैम असल में वाइफ उनको बहुत सपोर्ट करती है हर लिहाज से, मतलब ये कि आप इनकी वाइफ का सपोर्ट करने का ये अंदाजा कर लें कि अगर मैं इनको कुछ समझाने लगता तो वो गोलमोल कर जाती है, सबसे बड़ी समझाने लगता मुझे ये नजर आ रही है, अगर वाइफ क्या वाइफ का पूरा खानदान सपोर्ट करता है, घर में आप घर में रह रहे हैं, घर में तो रह रहे हैं, घर में तो जानवर भी रहता है, कुत्ता बिल्ली भी रहता, कहने का मकसद ये है यानी कि आप जानवर हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं, आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तानाभूसी होती रहती है, अभी किसी बात लाने की बात हो रही थी, क्या कह रही थी, फ्रिज घर में लाने की बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या क्या चीज, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आपसे कोई शेयर नहीं करना है, कोई तो आपसे क्या शेयर करेंगे, आपने अपने आप को खुद जो है ना फारिग बना लिया सबके सामने, आपसे क्या कोई मशवरा करेगा, नहीं तो मशवरा क्यों नहीं करे, फारिग कहां हो गए हो, मैं फारिग रहने नहीं देते, एक एक मिनट में तो काम बताते रहते हैं, अभी ये जब आप कोई बाहर काम नहीं करते तो क्या कलीम भाई घर में भी घर का भी कोई हाथ नहीं, घर का काम मैं कर रहा हूँ और बाहर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अच्छी जगह कहीं जॉब इत्तेफाकन हाँ। नहीं लग रही, हालात ऐसे हैं के एक वो बड़ी नहीं बनी बिल्डिंग बनी है कोई बड़ी, उस पे जो सीईओ की सीट है ना वो खाली है, वो कलीम भाई को करवा दो उसकी जॉब, नहीं मुझे तो कोई जॉब कोई भी दिलवा दे, दिलवा दे आप, दिलवाई तो थी माया, दिलवा दे जॉब, नहीं इन्होंने जो जॉब दिलवाई थी वो खुद ही खत्म करवा दी, तीसरे दिन जाके इन्होंने देखे, जॉब दिलवाना तो कोई काम कर सकता है, जॉब पर जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना जो है ना वो आपके ऊपर खुद के ऊपर होता है, इंसान खुद साबित करता है अपने आप को, बेशक अभी मैं फोन कर लूं उन लोगों को जहां आप जॉब कर रहे थे, मैं फोन करके पूछ लूं आप कैसा काम कर रहे थे, जी आप चाहें तो फोन कर सकते मैं पूछ सर मैं आपको पता नहीं है मैं नहीं, अगर आप अच्छा काम करते इन्होंने अभी फ्रिज का कहा ना, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि ये भी उसी घर के दामाद हैं जिस घर का मैं दामाद हूं, तो ये अब बताएं ये कह रहे हैं मुझसे मशवरा नहीं किया फ्रिज का, अब ये अंदाजा कर ले कि बंदा अगले का मशवरा उसका लिया जाता है ना जिसके बारे में बड़े एक्सपेक्टेशन होंगे, बहुत अच्छा बात कर रही है, अब मैंने फ्रिज लाकर रखा उसके दो दिन के बाद अम्मी का फोन आया, कहने लगे कि उन्होंने जो है वो कहने लगे अम्मी मटके का पानी ज्यादा अच्छा होता, वो लाके मटका रख दिया उसके बराबर में और सबको मजबूर कर रहा है कि मटके का पानी भी, चलो कोई बात नहीं मटका भी, मटका तो बहुत ही अच्छा है भाई, मटका लाना तो बाहर भी रख दो अच्छा है, पीस भी हर बात बुरी लगती है, इतना महंगा फ्रिज आया उसको सफेद तो सफेद कहूं सफेद कहूं ये कहिए ये गलत है, मुझे क्या लगता है मैं जिसका भी फोन है उसको प्लीज बंद करें, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि ये जो इस सिचुएशन हमें जो फील हो रही है ना, जो मुझे हो रही है पर्सनली, निदा अपने पर्सपेक्टिव से शेयर कर सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि देखिए जब बर्तन सारे एक साथ होते हैं ना तो टकराते हैं, बिल्कुल टकराते हैं, हर घर में झगड़ा होता है, बहू सास का, नंद का, भावच का, मियाँ बीवी का होता ही है, लेकिन रिश्तों में से रिस्पेक्ट खत्म नहीं होनी चाहिए, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरी वाइफ का यही कहना होता है कि छोटे दामाद को छोटे भाई को भी ले लेते साथ में और मेरी बहन, बहुत अच्छी बात है मैं लेके जाता हूँ, मैं मना नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, गाड़ी में ये बैठे हैं हमारे साथ जा रहे हैं, वहाँ गए हम लोग जगह के अंदर, अब ये वहाँ जाके हमें टाइम नहीं दे रहे, ये टोटल वेटर्स को टाइम दे रहे हैं, कभी उठ के इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मतलब तो अपना एक सेकंड भैया आपका नाम क्या था, जवाब जवाब भाई किसी से बात ही नहीं, छोड़ देना इनके हाल पे, देखिए ना बंदे छोड़ देना हर चीज, हमें बेइज्जती फील होती है इंसान हमारे साथ इतनी अच्छी गाड़ी से उतर के अंदर आया है तो क्या हो गया, अगर आप भी ये सोच रखते हैं कि अगर वो उतर के वेटर से बात कर ले, हम तो जिंदगी भर जो है मेरे तो सारे यहाँ के ड्राइवर वगैरह सब भाई बेटे बाप सब लोग बुजुर्ग हमें सब साथ होते हैं, अभी कह रहे हैं ना कि मुझे जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, हाँ देखिए ये अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो इनको वो किया और कितना टाइम दूंगा, ऑनेस्टली कलीम भाई इस बात का सलूशन जो मुझे लगता है यू नीड टू गेट अ जॉब एंड यू नीड टू गेट अ लाइफ, आई हैव टू, हाँ आपको जो है ना काम ढूंढने की जरूरत है और आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत है, और अच्छा जो भी काम मिले मिल रहा है वो कर लो भाई, गनीमत है आप कुछ भी ले, लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट तो कम से कम जो सुने मेरी बात अपनी खुद बना, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट अपनी खुद बनाता है इंसान, रिश्ते खुद बनाता है, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, मामा जाते हैं आप क्या बिगाड़ दी, कर लेंगे कर लेंगे आप कर लेंगे, आप अगर उनको काम नहीं करने देंगे, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में लग गया कह रहे हैं ये कोई जॉब इससे तो अच्छा नमाज पढ़ो खाली, कह रहे इसमें कहां लग गए आप, ये फिर नमाज पढ़ते हैं आप, जी अलहमदुलिल्लाह पांचों वक्त की, जी अलहमदुलिल्लाह
मैडम इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लगने का भी बड़ा अजीब इनका वाकया है, बस मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। आप जब माशाल्लाह इतनी इबादत करते हो तो अपने लिए दुआ करते हैं फिर इसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। आप क्यों रो रही हैं? मैं आप समझदार हैं, आप सही साथ में, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपको, पानी दे, बल्कि मैं सबको ही कह रही हूँ, ठीक है। देखें आप उठे ना, अगर आपकी माँ की जगह आप भी आ जाए अपनी माँ के पास, यार क्या हो गया, ठीक है, संभाले दोनों बेटों की तरह। देखिए दामाद घर के बेटे होते हैं, जिन बच्चियों के मिलजुल के रहो अपने चाहे छोटी हो, जैसी भी जॉब ने कहा आपको जॉब ढूंढने की, इससे ज्यादा बेइज्जती आपने कुछ अरसे के लिए इन पर। आई नो आप डिस्टर्ब हैं, आप अपसेट हैं, बट क्या आप कुछ एक दो तीन महीने के लिए इनको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, ताकि ये शायद उस, और आप सब लोग, आंटी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, घर में जो भी इनको जिस तरह का भी ताना देता है, दो मिनट अगर एक्स्ट्रा पंखा चल जाएगा कोई इतना वो नहीं आ जाएगा, चलने दे सर, मैं बोल रही हूँ ना, आपसे इतना करें, थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे को रिश्तों में स्पेस दें, स्पेस देने की जरूरत है, स्पेस, सांस घुटना शुरू होता है। आप भी निकले ना, नौकरी करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, इनसे दूर रहेंगे, खुद ब खुद घूमने फिरने के अलावा। सर सर मैंने अभी आपसे आप भी तो बंद करें ना, भी है आपका भी है, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। आप दोनों मिलजुल के रहो, हमारे बेचारी सास, आप इनको संभाले यार, इनकी बेटियां जो है वो आप लोगों के हवाले, तुम बैठ जाओ, इनका जो है सहारा बने आप, बैठो थोड़ा ठंडे और बाली दोनों हाथ से बचती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी खराब हो, दूसरे वाले को भी कोई पोक करता है, तंग करता है, तो ही तो वही वो सुलगता है, वो कुछ तप कर बोलता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बहुत बहुत ज्यादा ही तलख हो गई है जी, समझाती हूँ इनको, हम सबसे पहले खुद बनाते हैं माजरत के साथ, वैसे ठीक है, जिंदगी को जहर और शहद लाके बिठा दिया इससे मेरे साथ, मुझे तो ना कहना जी, एक वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद वापस आते हैं हम, माया हमारे साथ, माया खान। जी यहाँ मैं हूँ अपने शो पे, लेकिन आज मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त और आपकी फेवरेट होस्ट, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस माया खान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास सोशल इश्यूज़ पर रोशनी डाल रही हैं, बता रही हैं कहाँ किसकी गलती है। ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, इतने सारे लोगों के साथ शो करना, इतने सारे लोगों के मसाइल हल करना, मसाइल सुनना बैठ के, माया का बहुत एक्सपीरियंस है, और इसीलिए माया आज यहाँ ख़ास तौर पे मौजूद है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। यहाँ एक ऐसी यहाँ पे आप दो औरतें देख रहे हैं जो एक सास हैं और एक बहू हैं, और ये हर घर का मसला है, ख़ास तौर पे चाहे वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती हो औरत, या वो मिडिल क्लास से रखती हो या अपर क्लास से रखती हो, ये इंटरनेशनल रूल है, सास बहू की, यस सास बहू का, आपके आप कोई मेरे अब्बू कहते थे या पता नहीं कौन, कभी भी सास बहू की, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो किसी भी नक्के से ताल्लुक रखती हो, कहीं ना खटपट होती है, होती है, मसला होता है, होती है। जी बताइए, सास से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे घर मैं पहले बहुत एक्टिव औरत थी, बहुत काम करती थी, अब जब से ना मेरे बेटे की शादी हुई ना, मेरे घर का चैन खत्म हो गया, बेटे की शादी, अच्छा। मेरे बेटे की शादी जब से हुई है, जब घर के मेरे घर का चैन खत्म हो गया, मेरा बेटा इतना फरमाबरदार था, मुझसे जब वो ऑफिस जाते थे तो मुझसे मिल के जाते थे, सलाम दुआ करके जाते थे, पूछ के जाते थे, मामा आपको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, मैं कुछ दवा ला दूँ आपको, और आज ये वक्त है कि मेरा बेटा मुँह फेर के जाता है मुझसे, और है ना मुझसे बात तक नहीं करता, और ये है बस ऐसा लगता है मेरा दिल घबरा रहा है, कोई ऐसा लगता है मेरे यहाँ कोई खड़ा हुआ, कभी यहाँ कोई खड़ा हुआ, ये जादूगरनी जब से मेरे घर में आई मेरे घर का चैन खत्म हो गया, ये मेरी बस ये जादूगरनी है, इसने मेरे ऊपर जादू करा, ये चाहती बस मेरा सफाया हो जाए, ये इनके सामान नहीं 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 भाई, जादूगरनी कौन है, नहीं नहीं ये जादूगरनी, इसने मेरे पर जादू किया, ये मेरे पर जादू करती, आपकी शुरू दे, नहीं नहीं ये जादूगरनी, मैं कहती हूँ बस
जादूगरनी से आपका रिश्ता क्या है? ये मेरी बहू है, बहू नहीं, मैं तो बहू चाहती भी नहीं हूँ, देख ले, मानती नहीं बहू। मेरे बेटे ने इनसे लव मैरिज किया, लव मैरिज इनसे होता है ऐसा है कि भाई आप ना सास की भी इज्जत करें, अगर आपने लव मैरिज करी तो उनकी इज्जत करें, उनकी खातिर क्या चीज घोल घोल के मुझे मम्मी ये पी ले, ये घोल घोल के, अरे ये घोल घोल के पिला पिला के ना मेरे ये हाल कर दे कि मेरे हाथ पर कांपने लगते हैं, बात करते मेरा हाथ जिस्म कांपता है, मेरे घर का माहौल खराब हो गया, इतना आप जनाब से लोग बात करने वाले, इतना बीमार रहती है, इनको मैं कोई बीमार नहीं रहती, मैं आप रहने लगी पहले दरवाजों में कभी नींबू निकलना मेरे, कभी ना सुइयां निकली मेरे तकिए के नीचे से, कभी कुछ निकलना, एक दफा तो ऐसा होगा दरवाजा खोला तो खून पड़ा हुआ दरवाजे के पास, बताएं ये कौन कर रहा है, मेरे घर में कौन रहता है, ये है और मैं हूँ और कौन है बताएं, तो इसका मतलब मेरा बेटा बिल्कुल मुझसे बात नहीं करता। पहले मैं उनकी सुन लूं फिर मैं आपको सुनूंगी। नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल मुझसे बात नहीं करता, बिल्कुल भी मुंह फेर के जाता है। माँ इसलिए पैदा करती है औलादों को कि उनकी शादी हो और फिर उसके बाद वो बीवी के हो जाए, ऐसा नहीं होता, हमने तो उनको बड़ा खून से रिश्ता है अपने बेटों को। सही बात है, अब मैं उनकी सुनूं, आप बताइए। मैम एक्चुअली हुआ यह है कि इनका इकलौता बेटा है, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, इनके अरमान होंगे जाहिर है, लेकिन मैंने बहुत इन्हें अपनाने की, जी उन्होंने लव मैरिज की है मुझसे, बस इनको वहीं से हार हो गई कि भाई ये क्यों आई है, मेरी पसंद से क्यों नहीं आई, मैंने बहुत इन्हें एक मैं कर लूँ बात, इनकी बहुत इज्जत करी जो मेरे तो थैंक यू मेहरबानी। तो ये हुआ कि भाई अब मैं कपड़े भी धो रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, उन्होंने कहा मेरी माँ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये मत सोचना कि लव मैरिज की है तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तो अलग घर लेके, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी सोच है आपके हस्बैंड जी। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी बेटी बन के दिखाऊंगी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ इनके साथ चलूँ, खाना बना के दे रही हूँ, उनके कपड़े धो रही हूँ, और ये नहीं, दूर, मैं दूर, दूर, मैं भी घर का काम करती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं भी बर्तन बोलने तो देना, दो मिनट तो अम्मी आप ये खुद करती है ना, कहती हटो मैं खुद पकाऊंगी, पता नहीं क्या घोल के खिला देती है मुझे, मतलब काम छोड़ जाती है, सो जाती है, तीन साल हो गए, सो जाती है, लेट जाती है, बिस्तर पे गई, बोलने नहीं देती है, आगे बोलने नहीं देती है, बिल्कुल ये देखते ही होता, मेरा बेटा थका आ रहा है ऑफिस से, तो मैं तो खाना बना के उसका रखूं ना, बहन आपका नाम क्या? मेरा किरण। किरण, अच्छा किरण ये बताइए मुझे कि जब आप शादी होके नई इस घर में आई थी जी, जी। तो क्या आपकी सास ने आपके साथ मोहब्बत और खुलूस से? जी मैंने किया था। सर जी मैं उनसे पूछ लूं? जी थैंक यू, आप बताइए आपके साथ आपकी सास ने अच्छा अखलाक का मुजाहरा किया था जब आप इस घर में रुख्सत होकर आई थी? शुरू में तो ये खामोश चुप लिए दिए सी रही, तो मगर मैंने आगे बढ़ के इनके लिए किया, क्योंकि जाहिर है मैं उनकी पसंद से आई थी, तो मुझे पता था कि इनके अरमान होंगे। करेक्ट, तो जो इनके अरमान है तो मैं पूरा करूं, जैसे काम कर रही हूं किचन में, नहीं जाने दे रही, नहीं नहीं हटो तुम घोल घोल के किचन में कुछ पका रही हो, तुम मुझे मरवा दोगी, नहीं आहिस्ता आहिस्ता इनको मतलब पड़ोस में जाने लगी कि देखो बेटा ले आया अब कमरे में नहीं आ रहा, यार उनके 100 काम होते हैं, अब वो भी मुझसे जले हुए चिड़े हुए कि तुम दोनों की हर वक्त जादू सिफली मैं तंग आ गया हूँ, मुझसे भी अब बात नहीं करते, वो वाली मोहब्बत नहीं रही है, फौरन बुला लेती है, मुझे घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, वो उधर जाके बैठे रहते। नहीं तो माँ के पास भी तो आएंगे ना पूछने। अच्छा आपकी क्या शिकायत क्या है कि ये मुझ पर जादू करती है? हाँ जी ये मुझ पर ये करती है जादू, ये पीरों के पास क्यों जाती है? ये पीरों के पास क्यों जाती है? मुझे लाला के खिला रही है, तीन साल हो गए इलाज कर रही है आपके पास किरण की? नहीं कोई नहीं बता दे, रोज दोपहर में अभी ऐसे ये भी चली जाती है, सुबह से जाती है, कहाँ जाती है? नहीं मैं कहीं नहीं जाती, किसी की रहती, लाला के साथ जाती है, लाला के साथ कहीं जाती है, मेरे घर आती थी, मैं दावते करती थी, जब से मेरे बेटे की शादी मेरे नंदों ने भी आना जाना मेरे घर जाती है, फिर कहती कैसी है भाई, ना बात सीधे मुंह करती है ना कुछ, बस पढ़ती रहती है, क्या पढ़ती रहती है, अल्लाह ही जाने भाई, मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं करूँ, मुझे कोई कहता है कि भाई आपकी औलाद होते हैं तीन साल हो गए तो मैं कुछ पढ़ूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, अब मैं इनको बताती हूँ, हम भी यही दुआ करते हैं कि औलाद हो, हम भी यही दुआ करते हैं कि औलाद हो, इनकी औलाद भी इनके साथ करे तो औलाद क्या होती है। एक तो सबसे इनकी औलाद क्या होती है, औलाद अगर होती है, पहली देखिए दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, दो माइंड सेट है, एक वो बेगमात जो समझती हैं कि शौहर पर उसके माँ बाप का कोई हक नहीं है, शौहर की तरफ कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, उसके वालदैन क्या उसके घर की तरफ, तो ऐसी बहनों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपनी सोच को ज़रा सा इस्लाह कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। जहाँ तक ऐसी वालदाओं का सवाल है जो, और मैं आपकी बात नहीं कर रही, बट ऐसी वालदाएँ हैं इस माशरे में जो समझती हैं कि बेटा सिर्फ उनकी जागीर है, और मेरा ख्याल है फिर वो स्पेस
देना उनके लिए जरा सा मुश्किल हो जाता है अपने बेटों को कि वो अपनी इस दवाई जिंदगी में थोड़े हेल्दी रह सकें, बिकॉज वो ये समझते हैं कि यार मैं अगर अपनी बीवी से थोड़ा टाइम गुजारूंगा, जो कि हमारे माशरे में होता है. प्लीज अगर आप लोग मेरी अगली वाली बात से जो है इत्तफाक करें तो आप प्लीज हाथ उठा के जरूर बताइएगा कि ऐसा होता है कि हमारे ही माशरे में अगर कोई बेटा अपनी बीवी को घुमाने या खिलाने या ड्राइव पे कहीं बाहर लेकर जाए तो माँ का मुंह बन जाता है. क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे तो हाथ उठा के बताइएगा कि आप लोग करते हैं इस बात से इत्तफाक. नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है. आप करती हैं इस बात से इत्तफाक? मुझे लग रहा है कि ज्यादातर यहाँ पे खवातीन सास हैं, इसलिए या तो शादियां नहीं हुई हैं या ज्यादातर सास हैं. आप इस बात से इत्तफाक रखती हैं कि सासों के मुंह बन जाते हैं? क्योंकि बात याद नहीं बनते. अच्छा, क्योंकि देखिए ये याद रहे कि जो आने वाली है वो भी किसी की बेटी है और जो आपकी अपनी बेटी है वो भी किसी के घर गई है. नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे से कहा था देखो आप शादी आपने कर ली, कोई मुझे ना वो नहीं है, आपने लव मैरिज करी, कोई मुझे एतराज नहीं है अगर हो गई, ठीक है ना. मगर आप उसको भी हक दे और मुझे भी दे, जो उसके हैं फराइज उसके पूरे करें, जो मेरे फराइज हैं वो मुझे पूरे करें. आप कोई घुमाने लेके जा रहे हैं, आप जाएं घूमने के मौलवी के चक्कर लगाने में मत जाओ. जादू करनी, जादू करनी, जादू करनी, घूमने फिरे. लेकिन पहली बात तो ये है ना, जाहिर है मैंने भी अपने शौहर घूमे फिरी हूं, मैंने भी अच्छी जिंदगी गुजारी है. मैं चाहूं तो अलग हो जाऊं, लेकिन क्या करेंगे आप? कोई सबूत है कि ये जादू करती है? कोई सबूत है? नहीं, सबूत ये है ना, देखिए घर में कोई नहीं रहता, ये होती है या मैं होती हूं. देखिए बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा. आप किसी की बेइज्जती कर रही हैं, ये भी तो जादू कर रही है, ये जादू करती है, ये भी तो इल्जाम मेरे पे लगा रही है. आपने शुरुआत, आपने शुरुआत की. मैंने तो शुरुआत की है, मगर मुझे ये चीजें मिली है ना. आप ये कर दें कि नहीं मैं नहीं करती, नहीं अम्मी मैं, इसी तरह अच्छी मोहब्बत से रहे तो वो जादू वादू भी सब खत्म हो जाए. मोहब्बत से तो पेश आए ना आप, तरफ से जवाब देना, बदतमीजी से जवाब देना. मैं जवाब एक बार उसमें कह रही हूं, कुछ मिला के दिया होगा, जादू करनी आ गई है ना ये. मैं एक बार पहली बात तो ये मैं आपसे अगर एक गुजारिश करूँ, दूसरा ये कि आप ये बात बार बार रिपीट नहीं करेंगे आपको जादू करनी थी, नेगेटिव चीजें रिपीट नहीं. आई नो, आई नो, आई नो, आई नो कि आप इस बाकी तंग आ गई होंगी. एंड आई ऑल्सो मैं भी इसे आपसे बात से समझ सकती हूँ कि आप कितना तंग आ गई होंगी. लेकिन मैं अम्मा जी पहली बात बताऊँ, हमारे माशरे में अगर पाँव मुड़ गया, सर में दर्द हो गया या जो है तबीयत खराब हो गई और बहुत अच्छे तक तवील अरसे तक ठीक नहीं हो रही, तो मुझ पर किसी ने कुछ कराया है, डॉक्टर के पास तो जाए, इलाज तो कराए. एग्जैक्टली. और डॉक्टर के पास अगर जाके डायग्नोज नहीं हो रहा तो गेट योर टेस्ट डन, और अगर तब भी तब नहीं निकला देन प्रॉब्लम इज हियर. लेकिन जादू बरहक है, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ जादू होता है. चीज़ें मेरे घर से कैसे निकली, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बता रही हूँ, मेरे घर से निकली. उधर ही आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ. अच्छा, या तो आपके पास कोई सबूत हो कि किरण जो है फलां फलां बाबे के पास जाती है और ये गंदी सिफली एलम वगैरह कराती है, या तो आपके पास सबूत हो. अगर आपके पास सिर्फ चीजें निकल रही हैं कि कोई तावीज निकल रहा है, कोई चीज इस तरह की निकल रही है, तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह के अमलियात में ऐसा भी होता है कि किसी के जाए बगैर भी आपके घर पे चीजें चली जाती, ठीक है. गंदा जो इल्म है जिसकी कोई जो है माफी नहीं है, जिसका कोई जो है किसी को भी आप नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी अमल करें वो अच्छा और नेक अमल नहीं हो सकता. तो ये गंदा अमल है, सही है. और आप कह रही है खून नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जरूरी नहीं है कि ये कर रही हो. क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद आपके बेटे से कोई और शादी करना चाहती होगी और वो आपके घर में खुशी नहीं देखना चाहती होगी? नहीं, नहीं, हो सकता ऐसा वो नहीं, कर रही हो. ऐसा कोई मसला नहीं. क्या आपने कभी अपने बेटे के हवाले से किसी को खानदान में जबान दी थी? उन्होंने तो बताया कि मेरे हजार लड़के खानदान के, मैंने जब यहां आई तो बहुत अच्छी तरह घर अपना है, बैंक की जॉब है, उन्होंने बताया था. हाँ. तो भाई वो तो मुझे पसंद करते थे, लाइक करते थे, वो इनको लेकर आई, ये एग्री नहीं थी शुरू में. नहीं नहीं, नहीं, मैं ना खुश हुई नहीं अपने बेटे के साथ, और मैंने इनको पसंद करके, मैं पसंद करके नहीं लाती ना तो ये मेरे घर में नहीं आ सकती थी. मगर मैंने पसंद करा, एग्री करा, उन्होंने अभी आई है, उन्होंने कन्विंस किया था आपको. ऐसा रखा, मेरी बेटी नहीं थी ना तो मैंने इनको बेटियों की तरह रखा. उन्होंने लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कन्विंस किया था, पूरा साल लगा दिया इनका अंदाज ही. कोई बात नहीं, अपनी पसंद की शादी के दो लोग रहते हैं घर में, या दो लोग. मेरे हस्बैंड का सुने बिहेवियर कि वो कह रहे हैं तुम दो बंदे इतना लड़ते हो, चिक 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 चिक. आप इनको फर्ज है कि मुझसे बदतमीजी करें, ये छोटी है, कुछ भी है, चलो अगर मैं कुछ बात बोल रही तो इनका फर्ज. हर मेहमान के आए गए जादू करनी है, सब बोलती है कि मत खाना, इसकी जल्दी ऐसा बोल के दलील तो ना करें ना. हाँ, देखिए नहीं दूसरों के आगे नहीं, मेरी आप कहती हैं कि उसके हाथ का कुछ नहीं खाना, अपने रूम में बिठा के उनको बरबराती है. देखिए मैं ये समझती हूँ
कि वो सासें और इनकी वालदा भी आती हैं इनके घर पे, है ना, तो उनसे भी अगर में कोई शिकवे शिकायत होती है, कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनको चाहिए इनको समझा के जाएं, बल्कि वो भी इनको ना कुछ ना कुछ नहीं, वो अम्मी यही कहती है तुम्हारा घर है, नहीं अम्मी यही कहती है वो तुम्हारा घर है और अकलौती है, तुम चली जाओगी, वो कर रही है करने दो, अल्लाह बहुत मेरा दिल जानता है, मैंने बहुत इनको प्यार ये प्रॉब्लम भी बहुत आता है कि वो माए जो अपनी बेटियों की शादी के बाद जो माए तो उनकी बेटियां चली मैं बात कर लूं। अच्छा अब माया को बोलने दे, हमने आपकी भी सुन ली, आपकी भी सुन ली क्योंकि मुझे चिल्लाना अब इस चीज का हल क्या है, क्योंकि बातें तो बढ़ती रहेंगी, सास और बहू की बातें कभी खत्म कभी खत्म नहीं होंगी, मैं चाहती हूँ ऐसा माहौल हो जैसे पहले था मेरे बेटे, अगर आप इनको भी चाहती है तो उसको जादूगरनी तो कहना बंद करेंगी तो होगा ना, अगर आप चाहती है तो माया की सुने, बात करती ना मुझसे तो आप ही कर ले, आप इधर आ जाए मैं बाहर जाके चाय पी लेती हूँ। अच्छा आप अगर आप चाहती है ना आप चुप करके पहले माया की सुने वो क्या कह रही है, किस तरह आपके घर का सुकून बरपा हो सकता है, ठीक है, जिस तरह आप बचाना चाहती है ना, अगर तो बचाना चाहती है तो सोल्यूशन की तरफ देखें, ग्लास है ना, ग्लास आधा ग्लास फुल भी होता है आधा ग्लास भरा हुआ भी होता है, आपने खाली देखना है भरा हुआ देखना है, भरा हुआ ये देखिए कि बेटा आपकी आंखों के सामने है, मैं बोल रही हूँ आपको ही बोलेगा नहीं बस माया बोलेगी। अच्छा आप अगर घर का सुकून चाहती हैं मेरी बड़ी हैं तो आप ये देखें अच्छी चीज़ें क्या हैं, बेटा मेरी आंखों के सामने है मुझसे मिल रहा है, बदतमीजी तो नहीं करता, सलाम करता है, दुआ करता है, अच्छा ये घर का खाना बनाती है, ख्याल करती है, नहीं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, अल्लाह की कसम मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि घर बेहतर कैसे हो सकता है, रोए नहीं रोए बगैर भी हो सकता है, रोए बगैर क्योंकि देखें हम बिला वजह रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ हमने ज़िंदगी के अपने जो मसले हैं ना वो खुद ही बहुत बड़े बनाए हुए, पहली बात आप उन चीज़ों में खुश हों कि आपका बेटा आपके सामने है, आपकी बहू जो है वो आपके साथ घर में है, और ये चीज़ें जो आप कर रही हैं शायद इनसे ये रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता किसी दिन आपके बेटे का दिमाग घूम गया और उस चीज़ से वो थका, उसने कहा मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ, मैं तुझको भी छोड़ रहा हूँ और मैं अकेला जा रहा हूँ, क्या कर लेंगे आप दोनों अगर दूसरी शादी कर ली, फिर क्या कर लेंगे आप? आपकी आंखों से भी हो जाए, इसकी आंखों से भी हो जाए, कर लो फिर उसको भी जादू करनी कर लो, उसको जादू हो गया फिर मसला, कभी सोचा है इस बारे में? और आप ये समझती हैं कि अगर घर का सुकून हो सकता है तो वो मैं इस वक्त के बाद बताऊंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं एक हम खत्म करते हैं बात फिर आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमें तो अगर मार्जिन दे देते हैं तो ये है, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप अपने हस्बैंड के सामने एक लफ्ज इस बारे में ना कहें कि अम्मी ने मुझे ये कहा, अम्मी ने मुझे वो कहा, अम्मी ने मुझे फलां किया, ठीक है, सब बातें उसको बताती हूं बेटे को, आपको मैंने अभी बोला, घर का माहौल तो आप लोग अच्छा करेंगे ना, वो बेचारा तो काम करके थका आ रहा है, या तो फिर यहाँ सारी चीजों से हाथ धो बैठेंगे या जो बचा कुचा है वो भी हाथ में नहीं रहेगा, सो जो है उससे खुश है, आप खुश हैं अपने जो भी है दुनिया के सामने, अपने ससुराल में है, दुनिया के सामने अपने मियाँ के साथ रह रही है, दुनिया के सामने आपकी सास आप अपनी खिदमत कर रही हैं, तो अपना अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक मैंने माँ के घर में भी किया, मैं सास के लिए भी कर रही हूँ, चार बातें बर्दाश्त कर लें, कुछ साल तो बर्दाश्त करें, लेकिन ये बेटी है किसी की तो ये किसी की बेटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको घर में अपने जो है ना गलत ट्रीट करेंगी, आप इसको बेटी की तरह ट्रीट करें, जादूगरनी मत कहें, मत कहें जादूगरनी, एंड प्लीज ये आपकी माँ है, अपनी माँ के लिए आपके साथ कम क्या होगा, अपनी सास के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर लें क्योंकि वो आपका खून नहीं है, ठीक है। तो मैं ये दुनिया में एक बात कहती हूँ जिसपे हमारे मुफ्ती भाई हैं वो बहुत ज़्यादा अग्री करते हैं, मुफ्ती नूर रहमानी ने बात करते हैं, आपने एक दफ़ा मुझे टोका था तो मैं उसके बाद से मैंने सही कर लिया, माँ माँ होती है, सास सास होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सास बुरी होती है, सास भी अच्छी होती है, बट माँ ने आपको पैदा किया होता है, सास ने आपके शौहर को पैदा किया होता है, डिफरेंस, इस डिफरेंस को जिस दिन हम समझ गए ना रिश्तों में स्पेस आ जाएगी, स्पेस होगी, कम मिलो अच्छा मिलो, ऐसे तरीके से रहो। बिल्कुल जी, एक वक्फा, वक्फे के बाद मिलिए माया खान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आज की सुबह आपकी खुशगवार बनाने के लिए खास तौर पे माया खान हमारे साथ हैं, और अभी अभी किसी ने एंट्रेंस मारी है हमारे शो पे, वो है हमारी पक्की दोस्त डॉक्टर इन दोनों की दोस्ती ना एक किस्सा मुझे डॉक्टर ने सुनाया, क्या नाराज हो गई थी तुम एक दफा इनसे,
घर कौन सी वाली बात पता नहीं एक थोड़ी है क्या हुआ था डॉक्टर मेरा लाभ बताएं वो मतलब कोमल की शादी होने वाली थी तो मैंने कुछ हुआ था अपडेट कर दी थी इनको इतला नहीं दी थी पहले और जब हम घर गए तो इन्होंने एंट्री बंद कर दी कि बात नहीं करी अच्छा कोमल से बात करी वो उस वाले घर पे अच्छा नहीं इसने आपको दरवाजा बंद कर दिया था ना बाहर जाके दूसरा वाला बताने लगी इसके पे कल जो तुमने चांस दे दिया निकालो फोड़ लो लाइन में सारी बुराइयां करो मुझे वो वाला बताएं जो आपने बताया था एंट्री नहीं दे रही ना अच्छा बच्चों को लेके दूसरे कमरे में मैंने कहा मुझे आना है बात कर मुंह फोड़ इधर इधर हूँ तो इधर मैं कह रहा क्या हो गया बंदा बात तो कर ले सुन तो ले कोमल से बात कर रही है मिशी से कर रही है नहीं चली जा बाहर निकल जा अच्छा इसको नहीं लेके आना मैंने कहा भाई मैं ही तो आऊंगी और कौन आएगा नहीं मैंने कहा अच्छा भाई जितनी गालियां देने दे लो बात ही नहीं उनको चाय भी गालियां और मैं अच्छा माया के दोस्त बड़े पक्के पक्के होते हैं तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और तब भी जब तुम मॉर्निंग शो करती थी तब भी और मॉर्निंग शो छोड़ने के बाद भी वो तुम्हारे दोस्त कायम रहते हैं हमेशा मैंने ये नोट किया अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टिप क्या है अच्छे दोस्त बनाने की टिप क्या है मैं तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ क्यों ऑनेस्ट हो हम लोगों ने कभी साथ काम नहीं किया ठीक है हम लोग एक इदारे में साथ इदारे में थे जब आप जॉब कर रही थी मैं न्यूज में थी ठीक है हम फिर भी मिलते थे फिर भी बात करते थे फिर भी चीजें शेयर करते थे क्यों क्योंकि आपको शायद एक्चुअली तजर्बे होते होते ना आप पता चल जाता है कि यार आपने यहाँ ट्रस्ट करना है यहाँ ट्रस्ट नहीं करना तो ये सिर्फ तजर्बा जिंदगी से आता है इसका टिप कोई नहीं है बट यस मैं शायद अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह ने बहुत ब्लेस किया दैट आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स जो है वो कम है लेकिन बड़े ओके किस्म के हैं थोड़े चुड़ैल बट दैट्स ओके कितनी खराब इंक्लूडिंग देम बोथ बाय द वे बोथ ऑफ देम अच्छा रोज तैयार होना मेकअप करना ये वो जहर लगता है कि क्या ये तो सारी सर झाड़ मुंह फाड़ भी आ जाती थी तो मैंने देखा है अभी भी ऐसी है ऐसा शो कुछ हुआ तो ये इसने एक भी चीज नहीं लगाई ना मेकअप की ना कुछ जूड़ा बनाया और पहुंच गई सरसों का तेल किसी को नहीं देखा है ऐसा सरसों के तेल के साथ हाँ हाँ लगाया बैठ गई पता नहीं आई डोंट नो आई थिंक आई एम वियर्ड अजीब ही हूँ मैं आई थिंक आई वॉज नॉट बोर्न आई वॉज डिस्कवर्ड तुम्हें खुद अपनी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारे अंदर वो है और कौन सी अपनी बात बहुत बुरी लगती है जैसे तुम चिढ़ती हो मैं ख़त्म करूँ इसको सबसे अच्छी बात मुझे ये है कि मैं जितने भी बुरे हालात हो जाए उसमें भी कहती नहीं इसमें कुछ अच्छा होगा इसमें भी कोई अच्छी बात होगी नहीं अभी भी इस इंसान में अच्छा ही बाकी है नहीं उसने अच्छी तरह सही से किया होगा और ये मेरी सबसे बड़ी बुराई है कि मैं कभी कभी उस मार्जिन को इतना क्रॉस कर जाती हूँ कि अगला इंसान मुझे मामू बना रहा होता है और मैं समझती नहीं हूँ मामू बने तो ये अच्छाई भी है ये बुराई भी दोनों मतलब धुर बन जाती हो कभी हाँ वो बिल्कुल हो जाती हूँ कि नहीं यार एक और चांस थोड़ा सा अच्छा सा फजूल खर्च हो या बहुत पैसे बचा के किफायत शार हो बचा के चलती कन्फेशन शादी से पहले बहुत फजूल खर्च थी शादी के बाद बहुत सोच समझ के जो है वो खर्चा शुरू किया है क्योंकि फिर उसके बाद दो लोग मिल जाते हैं और मैं सुना था किफायत शार इतनी हो गई कि महंगे परफ्यूम कभी कभी लगाती हो और जो दूसरे भी लगा रहा था उसको भी कहता है महंगे परफ्यूम जब कहीं खास जगह जाओ तो लगाने देती नहीं सस्ते परफ्यूम लगाया करो मुझे पता है सुनो मैं नहीं चाहती आसपास का माहौल बेहोश पड़ा हो आपने अचानक से किसी को आवाज दी और पचला चार लाशें नीचे गिरी हुई है तो ऐसा ना करें आप अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें लेकिन नहीं अगर आपने चीज लेनी है अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है तो आप अपने लिए लोगों के लिए करें अच्छा करें अपने लिए अच्छा करें आपको अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा है आप अच्छे लिबास पहने अल्लाह पाक ने आपको अगर नवाजा है तो आप करिए दिखावा मत कीजिए लेकिन अपने आप को तो अच्छा रखिए ये इनसे भी पूछ लो कुछ इनसे हो रहा सामने बैठी है ये मुझे परफ्यूम लगाने नहीं देती है इन्होंने हम लोग सऊदी अरब से परफ्यूम खरीदा इन्होंने बताया काफी एक्सपेंसिव था एक दिन मैं चली गई रमजान में लगा के लगाया क्यों तुमने मैंने कहा कब लगाऊंगी नहीं वो वाला एक सेकंड 50,000 प्लस का परफ्यूम मतलब सर जर आंखें भी कौमी असेंबली के हल्के भी हुए हुए हैं सर में तेल भी लगा हुआ है और जो है ना वो 50,000 प्लस का परफ्यूम लगा के चलेगी मैंने कहा सर और कोई परफ्यूम नहीं है नहीं तो मैं लिया क्यों है मैं लिया क्यों लगाने के लिए मैंने लिया क्यों है लगाने के लिए लिया है ना मतलब अच्छा आप माया की एज दोस्त आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगी माया की खसूसियात क्या है इससे आपको क्यों प्यार है इससे आपकी क्यों दोस्ती है माया चुप रहा सी रही है
इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि आप इसकी इतनी पक्की दोस्त और हमेशा अच्छी अच्छाई में बात? बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, शायद सिर्फ तीन साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं सबसे कहती हूँ कि अगर समझा जाए, आप कान बंद कर दें, ठीक है, अगर माया को देखा जाए, समझा जाए, एक हीरा है और जिसने इसको खोया वो बहुत बड़ा नुकसान कर, जाहिर है हीरा खोने में तो नुकसान तो होगा, इसलिए कि जो चीज़ माया के अंदर है, जो खुलूस और अपनाइयत बहुत 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 सगे रिश्तों में भी कम होता है, वो चीज़ है। क्या बात है, खबरदार खबरदार, ये देखो यार, तो मुझे समझ नहीं आता क्या मस्ती वाली है, तुम्हें क्यों पसंद हूँ मैं, तुम बता दो। बस मुझे लगता है तुम बहुत, तुम्हारा बड़ा दिल है, बहुत खुले दिल की हो, तुम बहुत बड़े दिल की हो, लोग तुमसे प्यार करते हैं, पता है आप ऑन स्क्रीन हम रोज आते हैं ना, तो हम रोज फेक नहीं हो सकते, ट्रू, एक दिन हो जाएंगे, दो दिन हो जाएंगे, आप रोज फेक नहीं हो सकते। और जो लड़की मेरा हाथ चूम रही थी, क्योंकि मैं तुमसे हाथ मिलाती हूँ, उस वक्त यार मैंने कहा, I heard this, कहाँ हुआ था यार, मैं गई थी, एक कोई बुटीक था वहाँ पे काम करने, अगर वो शायद लड़की देख भी रही हो, वो काम करने वाली लड़की थी, उसने बाकी था मुझे पप्पी की ऐसी, मैंने कहा क्या हुआ भाई, मतलब करिए आप माया खान से हाथ मिलाती होंगी ना, Are you serious? हाँ, और जब वो मिले आप उनको बताएगा कि मैं उनसे बहुत प्यार, तुमसे ऐसे लोग प्यार करते हैं, और ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि आपसे कोई इतना प्यार करता है। आपके अपने रिश्तेदार तो करते ही है ना, जो माँ बहने मियाँ ससुराल वाले, मगर वो लोग जो तुम्हें देखते हैं, देखो हमारे पास दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, तुम्हारे पास, तुम लकी हो कि तुम्हारे पास दोस्तों की तादाद, तुमसे मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। मैं तुम्हें दुआ देना चाहूँगी कि अल्लाह करे तुमने अपनी ज़िंदगी के नए एक स्टेज पे कदम रखा है, लाइक एज अ वाइफ, अल्लाह करे कामयाबी से गुजारो तुम ये जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे चार पांच बच्चों की अम्मा बनो, हाँ ना माया, जुड़वा जुड़वा हो जाए ना, बस सही है, अच्छा इंशाल्लाह, ठीक है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, दो इधर होंगे और दो इधर होंगे, दोनों खालें देख लेंगी इंशाल्लाह, मैं दूसरे काम करूंगा, बिल्कुल, सो स्वीट, बहुत शुक्रिया तुम्हारा शो पे आने का, और मुझे एक सुबह अपने साथ गुजारने का मौका देने का, बहुत शुक्रिया। अपने फैंस को प्लीज कुछ कहना चाहो तो ये तुमसे तड़प रहे बात, फैंस कौन है, बस पसंद करने वाले सब हैं, सबके लिए बहुत शुक्रिया, इस टीम का बहुत शुक्रिया, हिरा और सलमान का बहुत शुक्रिया, जिस मोहब्बत से उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट शो की, अम्मू ने मुझे बहुत माशाल्लाह कॉन्फिडेंस दिया कि जाएं, ये जो खातून हैं जो सारी मेज़बानी करती हैं, ये पिछले चार साल मुझे कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे इंटरव्यू देना आता नहीं है, बट आई थिंक अल्लाह पाक ने जब कुछ काम करना होता है अल्लाह पाक की मसलहत होती है, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना खुलूस देने के लिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, गॉड ब्लेस यू, एंड आप सब लोगों ने इतना पसंद किया, क्योंकि हम लोगों को कुछ, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट ये सवाल करती रही मैं बोल दूँगी, सवाल करती रही मैं बोल दूँगी, सवाल करती रही, सो व्हाट आई फील इज दैट थैंक यू टू एवरीवन एट ARY, बिकॉज ये इदारा मेरे लिए घर की तरह है, और यहाँ मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, खुश रहो, आबाद रहो, थैंक यू जी। ये था आज का शो, मेरे आपको अच्छा लगा होगा माया खान के साथ, सरप्राइज कैसा लगा बताएगा जरूर, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना दिन अच्छा गुजारेगा, क्योंकि मुझे पता है इसको देखने के बाद दिन अच्छा ही गुजरता है, इंशाल्लाह, गुड मॉर्निंग, वाह, थैंक यू, वाह।